वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं, तो मैं अपने शो में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे पता होती हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप भी मुझे बताते हैं मेरे इंस्टा पर, मेरे पर्सनल इंस्टा पर मैसेज करके। कभी कभार अच्छी बातें भी बताते हैं, कभी कभार बहुत 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 बुरी बातें भी बताते हैं। दिल भी दुख जाता है उससे, लेकिन खैर, आपकी अच्छी और बुरी बात दोनों मेरी सर आंखों पे। लेकिन इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि मैं उड़ूँ, और जब उड़ना चाहूँ तो क्या करूँ। देखिए, उड़ने का शौक भी पूरा हो गया और वो बर्थडे बलून्स भी साथ काम आ गए। हाय हाय, ये पैकेज देखे, कई बच्चे ना अपने बर्थडे बलून्स लेके कोशिश करें बालकनी से कूद के उड़ने की। भाई हम आज, मुझे पता है छुट्टी है, बच्चे घर पे हैं, तो ये बच्चों के लिए स्टंट बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा जी, हाँ जी, अब हम क्या आपको दिखा रहे हैं भाई? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यूनिक चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप खबरों में आ जाते हैं। कोई भी ऐसी बात कह दें तो पॉलिटिशियंस जो है वो न्यूज़ का ज़्यादा से ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि फुटेज पा लेते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी कोई ऐसी बात लिख दे अपने सोशल मीडिया हैंडल से तो लोगों की वो जो तवज्जो है उसका मरकज़ बन जाता है। या फिर कोई ऐसी हरकत किसी डॉक्टर से हो जाए, कोई यूनिक चीज़ किसी टीचर से हो जाए, तो वो खबरों का मरकज़ ज़रूर बनता है। हम अपने बच्चों को बहुत सारे खिलौने लेके देते हैं, और उन खिलौनों में गाड़ियाँ होती हैं, पज़ल्स होते हैं, लेगोज़ होते हैं, बॉल होती है, लड़कियों के लिए गुड़ियाँ हैं, किचन सेट वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि आप नॉर्मली हाथ, ख़ास तौर पे हैंड कैरी में ले जा नहीं सकते। वो होती हैं वेपन्स, यानी कि जो गन्स हैं, गन्स वाले खिलौने बच्चों के, या वाटर गन्स भी आप हैंड कैरी करके बच्चों के लिए नहीं ले जा सकते। मुझे ये बात पता नहीं थी ना, तो मैं एक दफ़ा कहीं से आ रही थी और मैंने बालाज के लिए ड्यूटी फ्री से कोई खिलौना ख़रीदा, ड्यूटी फ्री से नहीं, सॉरी, कहीं और से ख़रीदा खिलौना, और वो गन था, और वो उन्होंने मुझे हैंड कैरी नहीं करने दिया। उन्होंने कहा सॉरी, हम ही ले जाने आपको दे सकते, या तो आप अपने लगेज में डाले। मैंने कहा मेरा लगेज तो चला गया, लेकिन वाटर गन, सॉरी, मैं नॉर्मल गन नहीं थी, वाटर। मैंने उनको समझाया कि ये वाटर गन है, साथ इसके बॉल्स भी हैं, ये देखिए तो सही। उन्होंने कहा नहीं सॉरी, इजाज़त ही नहीं है कि आप प्लेन में इस तरह की शक्ल की भी कोई, स्पंज की भी कोई शक्ल की चीज़ लेके जाएं। तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रा शेयर करूं, मगर मुझे लगता है कि बच्चियों के लिए जो ये गन्स वाले खिलौने हैं, ये बैन हो जाने चाहिए, ये होने ही नहीं चाहिए। आगे की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि ये जो भी चीज़ें हों, मतलब एक वाटर गन्स की बहुत सारी और शक्लें भी बन सकती हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से पानी से खेल सकें, लेकिन जो दूसरी गन्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं बच्चों के दिमाग को। लेकिन एक म्यूज़िशियन ने, देखिए, अपनी म्यूज़िक से मोहब्बत का इजहार कैसे किया, कि इन्होंने ये जो वेपन्स हैं जो कि नफ़रत का, मुझे लगता है कि एक सबूत है, इसको ख़त्म करके एक मोहब्बत भरा सबूत पेश किया। तो देखिए जी, जो भी कोई यूनिक चीज़ें करता है वो खबरों का हिस्सा बनता है। आज मैं कोई यूनिक चीज़ नहीं करने वाली, मेरा ख़्याल से ये हमारे हर घर की खातून करती है। मैं कोशिश ऐसी करती हूँ कि यूनिक चीज़ों के बजाय वो करूँ जिससे आप रिलेट कर सकें मुझसे। क्या है, अरे निदा, हम भी तो ऐसे ही करते हैं, अरे हमारे घर में भी तो यही पक्का है, आज हमारे घर में भी तो यही होता है। तो मैं कोई यूनिक चीज़ नहीं करने वाली, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप यूनिक लगें, सबसे मुनफरिद लगें, प्यारी लगें, हसीन लगें। और मुझे पता है इस महंगाई के दौर में, अब महीने का कौन सा है आज तारीख है, मतलब लाइक मिड है, जब आपके पैसे अच्छे खासे खर्च हो गए होते हैं और अब आप बचा के रख रहे होते हैं कि ज़रा महीना अच्छे से गुजर जाए, तो मतलब सवाल ही नहीं होता कि अपने ऊपर कोई पैसा इन्वेस्ट करे बंदा। तो इसीलिए मैं वो करने वाली हूँ जो हर फ्लैट में रहने वाली, हर गली कूचे के मकान में रहने वाली, हर बंगले में रहने वाली, या बस किसी भी घर में रहने वाली, चाहे वो किराए का हो या वो अपना हो, ये एक छोटा सा बगीचा अपने लिए बना के रखा होता है। और इस बगीचे में कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही होती हैं, और ये बगीचा हमारे घर को कंप्लीट करता है। इस बगीचे में इस वक्त क्या क्या नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं, एलोवेरा का पौधा है, नींबू का पौधा है, और क्या क्या है भाई, मिर्च का पौधा है, कड़ी पत्ता है, एलोवेरा बोल दिया मैंने, और मतलब लाइक ये वो आम गमले हैं जो हमारे घर में
आम तौर पर पाए जाते हैं, हरा धनिया, पुदीना, और हमने वहीं से तोड़ा जी और वहीं से अपने ताज़ा ताज़ा खानों के ऊपर डाल दिया। लेकिन खानों के ऊपर डालने के या खाने के अलावा भी इन सब चीज़ों के और बहुत सारे फ़वाद हैं। वो क्या हैं, वो आज मैं अपनी एक्सपर्ट्स को बुलाकर इन्हीं छोटी सी किचन गार्डन से निकाली हुई चीज़ों से आपको बताने वाली हूँ। आई गेस 150 रुपये का, मतलब लाइक एक गमला होगा, कोई 50 का होगा, कोई 200 का होगा, और इन गमलों की मदद से आप अपने कितने पैसे बचा सकते हैं ये मैं आपको आज सिखाने और समझाने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एंटरटेनिंग शो देखने के लिए। एंटरटेनमेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं हूँ ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही आम सा शो है, आम सा इसलिए कि ये एक बैल्कनी जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, दिखाई ना ज़रा बैल्कनी दिखाइए, ये जो मैं बैल्कनी आपको इस वक्त दिखा रही हूँ अपने शो पे, ये बैल्कनी ऐसी है, ये छोटा सा किचन गार्डन ऐसा है जो हर किसी के घर में हो सकता है, जिसके पास जितनी भी जगह हो ये गमले तकरीबन हर किसी के घर पे मौजूद हो सकते हैं। और इन गमलों की मदद से आज अपना पूरा प्रोग्राम मैं लेके चलने वाली हूँ, और मेरे प्रोग्राम में वो चार लोग जो ज़रूरी लोग हैं इस वक्त, वो हैं डॉक्टर बिल्कीस, डॉक्टर उमराहील, शेफ फरा और डॉक्टर फो, मैं भूली गई बिल्कुल, डॉक्टर बतूल। हाँ देखे, कभी कभार इंसान ब्लैंक हो जाता है। कैसी आप? एक्चुअली बाल चेंज हो गए ना डॉक्टर बतूल के, तो मैंने कहा ओ ये डॉक्टर बतूल का हूँ कि डॉक्टर बिल्ली का हूँ, क्या कहूँ। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है, मजे में है। बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, बड़े दिनों बाद ही हो रही है, 2 हफ्ते बाद। अच्छा जी, किसके घर में किचन गार्डन है, किसने उगाए हुए हैं घर में? मेरे घर, आप दोनों के घर में है, आपके भी है और आपके भी है, मतलब लाइक ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मेरे घर की औरत जो है वो मेरा मियाँ है, क्योंकि पौधों की देखभाल उसकी जिम्मेदारी, डॉक्टर बिल्कीस आप अच्छी तरह जानती है, तो घर में कौन सा पौधा उगाना चाहिए कौन सा नहीं, ये मुझसे ज़्यादा यासिर नवाज खातून को पता है। अच्छा, कुछ ये बैलेंस होता है, कुछ घरों में औरतों को पौधों का शौक होता है, कुछ घरों में मर्दों को बहुत शौक होता है पौधों, और जिन घरों में मर्दों को होता है उस घरों में औरतों को नहीं होता। अच्छा, मेरे पास तो बैलेंस है, बैलेंस है, दोनों में अभी भी मिलके गार्डनिंग करते हैं। अशोक को बहुत शौक है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना कि वो रिसर्च करते हैं हाइड्रोपोनिक कैसे करेंगे, कंपोस्ट ओरिजिनल कैसे बनेगी, ऑर्गेनिक कैसे बनेगी। मुझे इतना नहीं है ऑनेस्टली, मुझे इतना नहीं है, लेकिन मुझे ये होता है कि इन हैंड आपके पास चीजें मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, आज हम किन किन चीजों से, आप जरा डिस्कस करें कि हम किन किन चीज़ों से जो गमलों में उगाई जा सकती है, हम किन किन चीज़ों से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। गमलों में धनिया पुदीना फौरन से उग जाता है, बहुत ईजीली उग जाता है, लेमन लीमू जो होते हैं वो भी उग जाता है, करी पत्ता तकरीबन हर घरों में होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो एलोवेरा भी हर घर में होता है, फौरन से उग जाता है, जल्दी उगता है। कितने का होता है यार? एक तो एसी बड़ा तंग कर रहा है, मेरे बाल खराब कर रहे हैं, मैं इधर जाऊँ किधर जाऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, एसी बंद कर दो ना भाई। हाँ, माइक भी इसलिए तंग कर रहा है, आवाज़ आ रही है अब सही है? हाँ, अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि एलोवेरा कितने का आता है ये गमला? अगर आप छोटा लेने जाते हैं एलोवेरा का, तो आपको एक ही दफा गमला लेना है। अच्छा, अगर अच्छा वाला लेते हैं तो 50 से 150-200 तक आ जाता है, उसके बाद एक दफा आप लें और पूरी जिंदगी वो खुद ही जो है ना वो बढ़ता रहता है। दूसरे भी ले जाते हैं, उसको नीचे जमीन में उगाड़ लेते हैं थोड़ा सा, एक पत्ता तोड़ के, तो ये उग जाता है फौरन, उसको पानी की भी इतनी जरूरत नहीं होती। अच्छा, वो खुद ही अपना पानी खुद ही जमीन से ले लेता है। अच्छा, अब अगर हम एलोवेरा से शुरू कर रहे हैं, किससे शुरू कर रहे हैं बताएं? किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एलोवेरा से शुरू करते हैं, और एलोवेरा के पौधे को लेकर हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं आपसे? एलोवेरा तो आपकी स्किन से लेके, बाल से लेके, और मोटापा कम करने से लेके आपके खाने को हाजमा सही करने तक के लिए काम आता है एलोवेरा के। तो बहुत सारे फायदे, बहुत सारे फायदे। किस फायदे से शुरू करें हम? कोई भी शुरू कर सकता है। मैं अगर बताना चाहूँ तो एक अजवाइन को एलोवेरा के उसमें, पहले हम डॉक्टर क्योंकि एलोवेरा का हमने बनाना है। हाँ ठीक है, एलोवेरा से जो जिसे स्किन की बात है, क्या स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, बालों के लिए, लेकिन मैं बालों का हेयर मास्क बनाऊंगी एलोवेरा जेल से, एलोवेरा के पत्ते से, इसलिए कि चेहरा भी ख़राब हो रहा है लेकिन बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, कि डिफरेंट कलर्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो ये जो मास्क होगा ये आपके ड्राई एंड फ्रिजी हेयर्स को ना नॉर्मल स्मूथ करेगा, स्प्लिट एंड्स ख़त्म करेगा। अच्छा, और
आज हम ये बनाएंगे। वैसे एलोवेरा की एक बात मैं बता दूँ कि जो फॉर्मूला क्रीम से चेहरे ख़राब हुए हुए हैं, एलोवेरा उनका अल्टीमेट इलाज है। अगर आपके घर में एलोवेरा है और आप अपना चेहरा बर्बाद कर चुके हैं तो सिर्फ आपने कैसे बर्बादी हो, जैसे दाने भर गए हैं? नहीं, आप जैसे देखें, आपने कोई भी केमिकल वाली क्रीम लगाई है, कोई भी अपना रंग गोरा, जो वक्ती गोरा करने वाली क्रीम्स होती है, उसके बाद चेहरा ख़राब हो जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है। तो उसमें क्या है, अगर उसमें दाने भी निकलते हैं, उसमें अनवांटेड हेयर्स भी निकलते हैं, और सबसे ख़तरनाक चीज़ है पिगमेंटेशन, छाइयाँ जिसे कहते हैं। और बिल्कुल ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं हो रही होती। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है आप एलोवेरा का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसको पीना भी है, इसका जूस बना के पीना भी है, और उसको लगाना भी है। तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका चेहरा साफ होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो दाने हो, चाहे आपकी पिगमेंटेशन हो। अनवांटेड हेयर्स का डिफरेंट होता है, वो भी हम बनाएंगे, लेकिन एलोवेरा के लिए। और अगर बाल ख़राब हो गए किसी भी वजह से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डैमेज हो गए, बर्न हो गए, तो उसके लिए भी एलोवेरा बेस्ट है। ओके, मतलब कुछ ही यानी बालों के लिए भी और स्किन के लिए बेहतरीन, दोनों चीज़ों के लिए एलोवेरा बेस्ट है। ठीक है, ओके। आप कौन बता रहे हैं एलोवेरा से? क्या आप जो आज चीज़ें बता रहे हैं, मैं चाहूँगी कि सारी चीज़ें जो भी शेयर करें, चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे वो कड़ी पत्ता हो, चाहे कोई चीज़ भी हो, वो हमारे किचन गार्डन से, हमारा छोटा सा मासूम सा गार्डन है, उससे जाकर वो पत्ते वत्ते लें, और अपने जो आपने भी नुस्खे या टिप्स बतानी है उसका आप उससे हमें आगाह करें। आज मैं बड़ा पजल कर रही हूँ, कभी कभार होता है दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कभी कभार होता है ऐसा इंसान के साथ, है ना? अच्छा, आप कहें तो मैं एक्ने का बता दूं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है भाई, अभी गर्मी शुरू होने वाली है और उससे पहले ही दाने निकलना शुरू हो गए मुंह के। जी, एक्ने के लिए आप क्या काट रही है? मैं एलोवेरा ले रही हूँ। अब आप देखिए कैसे कटेगा ये। जी, ऊपर ऊपर रखा हुआ है ना, ऊपर रखा हुआ है, इसमें से ले ले। जरा एक मिनट रुके, हमें देखना है। ठीक, कैमरा एंगल बनाएं पहले। अब अच्छा, जब भी काटे ना नीचे से, और इसको इस तरह हमेशा बताया ना, ये वाला ऐसे इस तरह काटना है, ऐसे। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, मैं एलोवेरा के साथ यहाँ पर लहसुन का भी है, जरा कैमरे में भी दिखाए ना। जी, यहाँ पे प्याज रखा हुआ है, प्याज भी घर में उग सकती है, लहसुन या प्याज कुछ भी ले ले, मैं यहाँ से प्याज ले रही हूँ। अब इससे मैं बताऊँ, हरी प्याज भी उग सकती है? जी हाँ, आराम से। अच्छा, हरी प्याज और लहसुन देखने में एक जैसे ही लगते हैं, बाद में उनके बल्ब चेंज हो जाते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमेशा एलोवेरा को ऊपर से, मैंने काफी आपके प्रोग्राम में भी बताया, ऊपर से नीचे की तरफ काटना चाहिए। सही, जो इसका पीला कलर का पानी है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वरना इचिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, पीले कलर का जो पानी है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग उसको है ना नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीज़ों को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये देखिए, ये कट करने का अंदाज़ है, देखिए फिर किया ना, देखिए। अब मैं बताती हूँ, ये जो पानी है, ये जो नहीं है वो ये वाला है, ये मैं इधर गिरा के बताती हूँ। ये देखें, ये नहीं आना चाहिए आपके उसमें, ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें। बाज लोग कहते हैं हमें एलोवेरा से जो है ना एलर्जी हो गई, एलोवेरा से नहीं हो रही है, ये इसका जो थॉर्न है, ये जो निकल रहा है ना, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको इससे निजात कैसे पाएं? बस ऐसे जैसे मैंने रखा, काटा भी ऐसे ही है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप रख दें, उसके बाद जब ये बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए, हमने इसके थॉर्न तो काट दिए, अगेन आपने इसको ऐसे कट करना है, अब नहीं निकलेगा। सही है, अब ये आपके पास नहीं निकलेगा, जितना था सारा हमने काट दिया। उसके बाद धोने के बाद, जैसे तो साफ ही है, इसको धो लें, धोने के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसको पतला सा काट दें, ये ऊपर वाला हिस्सा निकाल दें, ये वाला। ओके, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है, इस पे इसको आपने किस तरह उसके लिए बनाना है कि आपकी एक्ने या आपकी गर्मी के दाने ख़त्म हो जाएं, तो आपने लेना है प्याज का पानी, जैसे, या अगर आपके घर में प्याज है तो इसको आप चॉप कर लें, जैसे आपने अपने गार्डन से तोड़ा है, इसका इस तरह करके और ऐसे, और इसको इसमें जो हमने एलोवेरा ये किया है, इसका जो अब इसका जो पेस्ट है वो मैं निकाल लेती हूँ इसमें। ये देखिए, आराम से इसकी जेल आ गई। ठीक है, ऊपर एक पतला सा काटा, दूसरा इसका जेल ले लिया, इसको इसमें
इन्फ्यूज करके रख दें दोनों को, ठीक है। प्याज में सल्फर होता है, लहसुन में भी सल्फर होता है, जो आपके एक्ने के लिए अच्छा होता है। इसमें सूदिंग चीज़ें होती हैं, जो कामिंग चीज़ें होती हैं एलोवेरा में। तो आपने प्याज और एलोवेरा के जेल को मिला, मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसको रख दें, प्याज अपना पानी एलोवेरा के जेल में छोड़ दें, हाँ। और आपकी एक्ने की अच्छी सी लोशन तैयार हो जाएगा, बस इतना करना है। नहीं तो फिर ये अब जब तैयार हो जाएगा तो आप एक्ने पर लगाएंगे? जी जी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसको चॉप करके आपने छोड़ दिया, प्याज हमेशा अपना पानी छोड़ता है, ठीक है। जब छोड़ दिया, जो जेल है उसमें पानी चला गया इसको, सही है। या अगर चाहे तो ब्लेंड कर ले, लेकिन घर में इतना नहीं है कि इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें कौन ब्लेंड करता है। तो ये देखें, ये आ गया पानी, ये जेल आ गया, जेल के साथ प्याज का अर्क इन्फ्यूज्ड हो गया। ये इन्फ्यूज्ड हो गया, जहाँ जहाँ आपको बड़े बड़े बॉयल्स वाले दाने भी हैं, अगर बॉयल्स हैं, उससे खारिश होती है और पस निकलता है, खून निकलता है, आप ये लेके उसको अच्छी तरीके से उस पर लगा लें। ये टी ट्री का काम करेगा, टी ट्री ऑयल के एसेंशियल ऑयल जो है उसकी ही तरह काम करेगा, हाँ। बस सही है। और ये वो क्योंकि बहुत महंगा, हाँ, वो एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव नहीं, ये एक्सपेंसिव। और ये ओवरनाइट आप लगाकर सो भी सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये वाली जेल है, ये आपने ऐसे करके लगाया, छोड़ दिया, सही है। उसके बाद आपने जब इसको धोना है तो साफ ठंडे पानी से आप धो लीजिए। आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके जो दाने हैं वो बैठने लगेंगे और उनका जो पस वगैरह है वो ख़त्म होने लगेगा। अच्छा। तो ये आप ज़रूर कीजिए। और बॉयल्स के लिए फिर उनाप, जैसे उनाप भिगोकर वो पी लें, पुदीना जो है उसका इस्तेमाल करें, आलू बुखारे इस्तेमाल करें अंदर से, लेकिन एक्सटर्नली ये यूज़ करें, बहुत ही इजी है। प्याज लिया और वो दोनों को आपने मिक्स कर लिया। अच्छा जी, तो ये आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाता है। और जल तो नहीं जाएगा जैसे मुझे लग रहा है प्याज लगाने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जलेगा, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे देखिए एलोवेरा को सर पर लगाएं तो आपके बाल आएंगे, प्याज को सर पे लगाएं आपके बाल आएंगे। ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, इनको पता है कहाँ क्या करना है। तो चेहरे पे बाल नहीं लाएगा, हाँ। कुछ लोगों को ये होगा। बहुत अच्छा आपने पॉइंट, हाँ। मैं भी ये सोच रही थी कि सर में लगाते तो बाल आते, हाँ। बाल अच्छे होते हैं, तो ये आप लोग नहीं सोचे। जैसे मेथी दाना है, हम उसको बाल ख़त्म करने के लिए यहाँ लगाते, उसी मेथी दाने को बाल उगाने के लिए सर पे लगाते। कुदरती बनाई हुई चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई है वो हमारे दिमाग को भी पता है, हमारी स्किन को भी पता है। तो परेशान नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे प्याज बोला है डॉक्टर बिल्किस ने, प्याज से तो मुंह पे बाल आ जाएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और अभी ये फार्मूला क्रीम की बात कर लेते हैं, जो हमने बनाई है, जो इंसानों ने बनाई है, उसको अगर आप जो गंजा है उसके सर पे लगाएं कभी भी बाल नहीं आएंगे, मगर चेहरे का बर्बाद कर देगा वो, क्योंकि उसको उसको अपना एक्शन नहीं पता है। वो तो बस उसका काम है कि नोच लो, खाल निकाल लो, लेकिन इसको पता है कि इसने आपके साथ क्या करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर बतूल, आपके मैं बता रही हूँ स्किन ब्राइटनिंग। स्किन ब्राइटनिंग किससे, कौन सा पत्ता चाहिए आपको? मैंने पत्ता लिया हुआ है पुदीना सर, पुदीना हर जगह, पुदीना जो घर में लगा हुआ हो, बिल्कुल ये, हाँ। हर जगह दुनिया भर में हर जगह लग जाता, हाँ। है। इसके साथ हम शामिल करेंगे इतना छोटा सा पीस अदरक का, ओके, बहुत ही आसान सा है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, जब मैं उनको फार्मूला क्रीम मना करती हूँ या जो भी आजकल एड्स आते हैं, बहुत अट्रैक्शन बहुत होती है कमर्शियल्स में, बेसिकली मार्केटिंग में, तो वो इतनी अट्रैक्ट करती है कि हर कोई इस्तेमाल कर ही लेता है बेसिकली। अब मुझसे कहते हैं आप अल्टरनेटिव बताएं, ये अल्टरनेटिव है, आपके किचन आपका अल्टरनेटिव है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए आपकी स्किन टाइप क्या है और आपकी स्किन पे किस तरह इफ़ेक्ट आएगा, okay. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अब इतनी जगहें मौजूद हैं, इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो आप उस रिसोर्स को ज़रूर फाइंड आउट करें जो आपको ये बता सके कि स्किन टाइप आपकी कौन सी है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको ये करना है, ओवरनाइट मैंने तकरीबन 10 पत्ते लिए हैं पुदीने के, छोटा सा टुकड़ा शामिल किया, इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह क्रश कर दिया था ताकि इसमें से इंग्रेडिएंट निकल जाए, पानी में डिप कर दिया, इसको ओवरनाइट कर दें ज़्यादा बेहतर है। करने के बाद आपने इसको इस तरह मैश कर दिया तो ये इसका सारा पानी जो है वो इसमें निकल आया। बस इसको अब हम शामिल करेंगे 1 स्पून कॉर्नफ्लावर में, ठीक है। चावल का आटा भी आप ले सकते हैं, हाँ। अब अगर एक्ने वाली स्किन है तो आप इसमें जो है टी ट्री ऑयल मिला लीजिए, नहीं है सिर्फ जस्ट ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं तो जिंजर, और इसमें इतनी ताकत होती है पुदीने के पत्तों में, वो खुद ही आपका एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। जब आप वॉश करेंगे इसको,
ये देखें, ये आप जब पूरे पेस्ट पे लगाएंगे तो ये मास्क जैसा बन जाएगा। जब आप इसको हल्का सा वॉश करते रहें और साथ में जो है वो रब करते रहें, सारे व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स खुद ही पॉप आउट होके निकल जाते हैं। और स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट इतना ग्लोइंग आता है कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल सिल्की रिपीट करते हैं ये वाली रेमेडी, बड़ी जबरदस्त है। हाँ, क्योंकि इस वक्त ब्लैक पुदीने के पत्ते बहुत सपोर्ट है। बिल्कुल, अगर झाइयाँ हैं, झाइयाँ स्टार्ट हुई हुई हैं, चाहे वो किसी की वजह से भी हैं, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हैं, फार्मूला क्रीम के इस्तेमाल से हैं, कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लिया आपने उसकी वजह से, आप इसमें वाइटामिन ई ऑयल मिला लीजिए। वाइटामिन ई ऑयल जिंजर अदरक का और पुदीने का कॉम्बिनेशन जो है हर किस्म की पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट होता है। ओके, तो वाइटामिन ई ऑयल की कैप्सूल भी मिल जाती हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो बादाम के तेल में वाइटामिन ई बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो आप सिंपल बादाम के तेल के 4 खतरे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये दूसरी टाइप ऑफ स्किन के लिए होगा। एक्नी के लिए आपने सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट को मिलाना है। कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, पानी में हमने रात में छोटा सा टुकड़ा अदरक का भिगोया है और 10 पत्ते जो है हमने पुदीने के लिए, और ये घर में अवेलेबल चीज है। लगाइए और फिर जरूर बताइए कि कैसा इफेक्ट है। हम लोग जा रहे हैं फेशियल कराने, स्टीम दे रहे हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं और उसके बाद जाके नाक चमकती है। जो घरेलू खवातीन उनको होता है, हमारी नाक देखो फेशियल करा के आई हूं चमक रही है, तो वो घर में चमका ले भाई। बिल्कुल, ये धनिया पुदीना। एग्जैक्टली, और अगर पौधा धनिया पुदीना का घर में भी नहीं है तो आप ले लें, ये गड्ढी तो फ्री में डाल देता है सब्जी वाला। नहीं, अब तो नहीं डालता, कम पैसे सस्ता हुआ भाई। एक जमान जब तक मैं सब्जी खरीदती थी, वो जमाना मुझे याद है, उस वक्त तक वो मुफ्त में डल जाती थी। कड़ी पत्ते भी फ्री में आती है, ले लें। एग्जैक्टली, लेकिन ये तो देखे ना अब क्या हो रहा है। ओके जी, क्या कर रही हैं आप? अच्छा, हम कर रहे हैं अनवांटेड हेयर्स के लिए। अच्छा, एक्स्ट्रा फेशियल जो है ना, अनवांटेड हेयर्स के लिए उसको किस तरह से डिफरेंट चीज़ें मिला के जो है बनाएंगे। अच्छा, उसमें हमें जो है एक तुलसी के पत्ते चाहिए और लीमू के पत्ते चाहिए। अच्छा, तो बस वो लेके आने। तो चलिए जाइए गार्डन में, आपका अपना ही गार्डन है, अपना घर समझे। सही, ये दिखाएगा भी तुलसी के पत्ते ताकि लोगों को पता चले कैसे होते हैं। ये तुलसी के पत्ते देखिए, ये तुलसी कौन से, एक मिनट, ये बड़ा मुश्किल है पता लगाने की तुलसी के पत्ते। अच्छा, तुलसी घर में लाजमी लगानी चाहिए, उससे क्या फायदा होता है? तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं और मच्छर नहीं आते, मच्छर भी परा कह रही है, मच्छर नहीं आते, थोड़े मच्छर भी नहीं। जो जिनका बीपी हाई रहता है, जिनका शुगर का मसला है, उनके लिए भी तुलसी बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, इसके साथ मैं लीमू के पत्ते ले रही हूँ 2 अदद। लीमू के पत्ते, अच्छा ये, हाँ नींबू के पत्तों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। हाँ, बहुत अच्छी होती है वाकई। और वो फिर घर में लगे हो तो वो घर में ही एक एसेंस की तरह काम करता है, एक एयर फ्रेशनर की तरह काम करता है उसको हल्का सा। अच्छा, कौन से पत्ते ऐसे हैं जो, कौन से पौधे हैं जिसकी बू होती है वो ना लगाए, उसके लिए बता दें हमें। बू किसकी बू होती है? किसी की भी नहीं होती पक्का। अब वो खाद की होती है, बस खाद डालो तो अजीब, और छोटा अपार्टमेंट हो तो पूरा घर महक रहा था, खाद डली नहीं रही थी। लेकिन अब तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी इतनी चीप मिलती है, उसमें नहीं होती, उसमें नहीं होती, उसमें नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या किया है कि तकरीबन 1.5 गिलास पानी लिया है, 1.5 गिलास पानी में 4 से 5 पत्ते लीमू के डाले हैं और तकरीबन 5 से 6 पत्तियां जो है तुलसी की डाली है, फ्रेश डालनी है। अच्छा, इसमें थोड़े से पत्ते जो है मैंने आग के पत्ते इस्तेमाल किए। आग क्या होता है? आग नहीं, आग, मैं तुम्हें आग करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग करता हूँ। वो बड़ी काफ होती है, ये छोटी वाली काफ आग। अच्छा, ये क्या कोई हर्ब है? हाँ जी, आग के पत्ते आपको मिल जाएंगे, इजीली मिल जाते हैं। अगर आप ये मिला लेते तो फिर बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये 2-3 चीजें हमने डाली, इसमें चौथी चीज हम डालेंगे फिटकरी, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे। इनको खूब अच्छी तरह से पकाना है, इतनी देर पकाएंगे कि पानी जो है तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो पानी है वो आधा गिलास रह जाए। ठीक है, उसको अच्छी तरह हल्की आंच पे पका लेंगे। जब पानी कम हो जाएगा तो उसका तरीका मैं बता देती हूँ। अब ये पक रहा है, इतनी देर में फिटकरी जो है वो भी इसकी घुल जाएगी बिल्कुल। और जब ये आधा पानी रह जाएगा अच्छी तरह से पकने के बाद, इस पानी को आपने निकाल के स्टोर कर लेना है। ठीक है, मतलब पानी बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा और 1/2 गिलास रह जाएगा, तो ये पानी आपने स्टोर करना है। अब आपने करना क्या है कि हफ्ते में एक दफ़ा तो ये करना, भी थोड़ा सा गर्म है मैं बताती हूँ। आपने अपने जहाँ जहाँ पे बाल है इसको लगाना है। इसको लगाने के बाद जो घर में अपना ओट मील होता है जई, लगाया इस तरह से और इसको लगा के खूब मसाज करना शुरू कर दिया। ये आपने तकरीबन हफ्ते में या 10 दिन में एक बार करना है।
ये भी थोड़ा साबुत है, इसको अच्छी तरह से इसको रगड़ेंगे, पूरे जहाँ जहाँ के बाल हैं वो वहाँ पे खूब मसाज करके और अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लेंगे। अच्छा, ये तो आपका हफ्ते में या 10 दिन में जितने दिनों में ग्रोथ होती है उन दिनों में ये करेंगे। तो अभी इससे जो है बाल नहीं निकलेंगे एकदम से? नहीं निकलते, जो बारी बारी पता चले लोग छील छील के पहले ही ना, मतलब नहीं, हमारे तो रैशेस पड़ गए, हमें डॉक्टर मेरा ही नहीं बता रहे। होता क्या है कि बहुत जैसे बहुत बारीक बाल है, रुआ है, जिन बच्चों ने कभी वैक्सिंग नहीं की उनका तो बाल निकलना शुरू हो जाएगा फ़ौरन, लेकिन अगर किसी के बहुत ज़्यादा वैक्सिंग की हुई है, थ्रेडिंग की हुई है, बहुत मोटा बाल है, तो वो एक दफ़ा में नहीं निकलेगा। लेकिन आप जब एक दफ़ा करेंगे और जिनको बहुत मोटे मोटे बाल है उन्होंने अपनी वैक्सिंग या थ्रेडिंग की और ये पानी इसके बाद रोज़ाना लगाना शुरू कर दें, ग्रोथ खत्म हो जाएगी। ओ ग्रेट, तो मतलब ये फिर आपको कुछ नहीं, ये आपने वैक्स वगैरह कराएं कि नहीं? वैक्स उनके लिए है जिनके बाल मोटे हैं, उन्होंने वैक्सिंग करनी है या थ्रेडिंग करनी है। उसके बाद ये पानी जो आपने तैयार किया चार चीज़ों का, उसमें 3 पत्ते, आग के पत्ते, लीमू के पत्ते, तुलसी के पत्ते और फिटकरी। अच्छा, इसको पका के। और आँख भी तो है। मैंने कहा आँख, लीमू, तुलसी एंड फिटकरी, चार चीज़ें, ठीक है? इसको पका के ये पानी तो आपने स्टोर कर लिया, हमने वैक्सिंग किया, थ्रेडिंग की, उसके बाद उसी वक्त लगाना है ये पानी, आपने साथ अपने सलोन में लेके जाना है ताकि आप स्प्रे करें और लगा लें। अच्छा, वो आप लगाएंगे उसको खुश्क होने देंगे। ये तो आपका उन लोगों के लिए हो गया जो रेगुलर वैक्सिंग और थ्रेडिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, वो बच्चियाँ जो बिल्कुल अभी छोटी बच्चियाँ जिनके घरों में जिन्होंने कभी वैक्सिंग या थ्रेडिंग नहीं की, उनके लिए ये पानी के साथ आपने जई रख ली, ओट मील, उससे आप जो अभी हाँ बिल्कुल आप उन बच्चों के। अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। बिल्कुल ठीक है ना, हमें बिल्कुल प्रॉपर समझ आ गया। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारा किचन गार्डन जो है वो बिल्कुल आपके घर जैसा है, तो इसलिए ज़रूर देखिए ताकि उससे आप रिलेट होके अपने सारे जो काम है वो बहुत ही कम पैसों में कर सके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ दिनों में हम ढोलकी करने वाले हैं, किसकी करने वाले हैं ये नहीं बता रही मैं, लेकिन ज़रूर बताऊंगी और आपके साथ ही करेंगे ढोलकी, और किसके साथ करेंगे। तो जी यहाँ हम आज आपके सामने जो शो कर रहे हैं वो है हमारे किचन गार्डन से रिलेटेड, बड़े मज़े मज़े की जो चीज़ें हैं वो उगाई हुई हैं, ये हमारे सेट वालों ने उगाई हैं, है ना? ये हमारे सेट वाले रोज़ उसको पानी देते हैं, हमने सिर्फ अपनी बालकनी बाहर से उठा के अंदर शिफ्ट कर लिए, सिर्फ ये फ़र्क है। एलोवेरा हमारे पास है, पान के पत्ते, और क्या क्या है, धनिया पुदीना है, और क्या क्या है, लीमू है, तुलसी के पत्ते, लीमू के पत्ते, पान, पान है, बिल्कुल पान। अरे मेरी अम्मी मरहूमा जो है माशाल्लाह, वो पान लेके ना, जैसे मेरे गले में दर्द है शदीद वाला दर्द, पान के ना ऊपर कट लगा लगा के कहती थी ये बांध लो, मैंने अब मैं उन पर यकीन ही नहीं करती, मैंने कहा पान खाने के लिए होता है, बांधने के लिए कह लेंगे नहीं, तुम देखो ये देखो बांध लो उस पर पान, यहाँ पे पत्ते ना ऐसे करके। अब एक दिन निदा यासिर जो है पान बांध के बैठी थी, मम्मा गले में बहुत दर्द है, मतलब लाइक कोई भी जो चीज़ होती थी ना उस पर फौरन अम्मी के पास नुस्खा आ जाता था। फिर अबू ने एक दिन कह दिया था फहमीदा हम यूँ खड़े होंगे तो हमारे ऊपर बेलें लिपटी होंगी। मेरी अम्मी को माशाल्लाह गार्डनिंग का इतना शौक, आप तो जानती हैं डॉक्टर जी, जी जी बिल्कुल, है ना? उन्होंने जैतून का पौधा मंगवाया था ना, तो मुझे हमेशा फ़ोन करके पूछती थी इस पर अभी फल क्यों नहीं आया, मैं चाहिए 3 साल का होगा तो आ जाएगा। 3 साल के बाद आते हो, माय गॉड, क्योंकि कराची में तो उसको इंड्यूस करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं आएगा। तो कहती बड़ा तो हो रहा है लेकिन इस पर फल नहीं आ रहा, वो मुझसे हमेशा पूछती थी। मैंने करी भाई और बात, इसलिए मैं आप लोगों का मूड भी अच्छा रखना चाहती हूँ और अपना भी जी। तो हम आज अब किसकी बारी है, फरा, बिल्कुल फरा, और स्क्रब बताऊंगी, मुंह पे झाइयां हो जाती है। हाँ, पिगमेंटेशन आप इतनी ग्लो क्यों कर रही हैं, पहले ये बताएं क्या खुशी की खबर क्या है? देखिए ना, मैंने आपसे क्या कहा था आपके शो पे, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, मैंने आपसे ये तो जा रही है घूमने फिरने, मैं होकर आ गई, मैं टर्की होके आ गई, 15 दिन रह के आ गई, एंजॉय करके आ गई, फ्रेशनेस टपक रही है, यही तो है। अच्छा, अभी ब्रेक के दौरान तस्वीरें देखूंगी, अब बताएं किचन गार्डन से क्या तोड़ना है आपके लिए? अच्छा, झाइयों के लिए क्योंकि बड़े मसले हैं, गर्मियां थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी हैं, और मैं यहाँ से एलोवेरा, और एलोवेरा के बहुत सारे फायदे, इसके साथ पान, जैसे आप पान की बात कर रही थी, पान का पत्ता, उससे बताऊंगी किस तरह से हम स्क्रब बना सकते हैं, और अपने मुंह की जो फेस की झाइयां हैं, हाथों में भी कभी कभार हो जाती है तो उसको भी किस तरह से दूर किया जा सकता है। अरे जबरदस्त, वो मैं ले लेती हूँ, पान के पत्ता, पान का पत्ता, पान का पत्ता और बहुत सारी चीज़ों के काम आते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया गले में दर्द है, गले में इन द सेंस के लाइक खांसी और इस तरह की चीज़ों के लिए ख़ास तौर पे पान के पत्ते पे कट लगा के आप बैंडेज के साथ थोड़ा अपनी गर्दन पे बांध लें, बहुत मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता था, आवाज़ बैठी हुई है, तकलीफ़ है, बहुत फ़र्क पड़ता
अच्छा हमें सबसे पहले, क्योंकि मैं एक हर्बलिस्ट बन रही हूँ, इंशाल्लाह मेरा ये लास्ट ईयर है, मई तक मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे, इसके बाद और फिर मैं मुझे लाइसेंस मिल जाएगा, मैं क्लिनिक कर लूँगी इंशाल्लाह, बस कुछ महीने रह गए। अच्छा हमें बताया जाता है हमारी स्टडी के दौरान कि आपने जो भी हर्ब यूज़ करना है उसका मिजाज पहले देखें, अच्छा आप किसको लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, मेरा मिजाज देखेंगे। नहीं हमारा भी होता है ना गर्म ठंडा मिजाज, बड़े गुस्से वाली गर्म है, बड़ी ठंडे मिजाज की है, इस तरह से अच्छा ये मिजाज लाजमी है, मिजाज को देख कर ही आप दवाई बना सकते हैं। अच्छा उसको देखे बगैर तो आप दवाई बना ही नहीं सकते। तो पान का जो पत्ता है आपने कहा कि ये लगा देती थी, उसका मिजाज गर्म है, पान के पत्ते का, पान के पूरे प्लांट का जो मिजाज है वो गर्म। और अगर मैं बहुत गर्म मिजाज की होंगी तो मैं एक, आप मुझे और आ जाएगा गर्म, आप खाएंगी तो हो जाएगा, लगाएंगी तो नहीं होगा। हाँ। खाएंगी तो थोड़ा आपको गुस्सा आ जाएगा, अच्छा कि आप थोड़ा सा, हाँ लेकिन लगाने से नहीं होगा, लगाने हाँ। की दूसरी चीजें होती हैं, खाने की दूसरी चीज, हम कहते हैं ना भाई इसको बहुत गुस्सा आता है इसको ये चीजें ना, गरम मसाला थोड़ा कम खिलाओ, हाँ। ये चीजें थोड़ी मिर्च मसाले थोड़े कम खिलाओ, तो हम ये कहते हैं ना इस तरह से ख्याल रखना पड़ता है। हमारे लोग जो है पाकिस्तानी वो मिर्च मसाले खाने की वजह से नहीं गर्म दिमाग के, गर्म दिमाग के होते हैं ना जी, तो इसी वजह से पठान तो सबसे कम वो खाते हैं मिर्चे, गर्म मसाला, लेकिन उनका गोश्त वोश्त बहुत मीट खाते हैं दुम्बा सारे वो वाले गोश्त खाते हैं जो हम नहीं खाते हैं, बड़े याक वगैरह वो खाते हैं, तो इस तरह के गोश्त खाते हैं, गोश्त भी जो है आपको गर्म मिजाज का बनाता है, बिल्कुल पीते हैं ना तो कहवा पीते हैं गुड़ डाल के तो बैलेंस कर लेते हैं, इसका मतलब वो जो सब्जी खाने वाले लोग हैं वेजिटेरियन जो है वो बड़े ठंडे मिजाज के होते हैं। देखिए अब तो ये तो पुरानी बातें थी, जो हमारा गुस्सा जो हमारी अपनी आदतें हैं, लेकिन हम अभी इलाज का बताएंगे कि लगाना किस तरह से लगाएंगे, कौन सा मिजाज के हमें हर्ब जो है वो चूज करनी चाहिए। तो छाइयों के लिए मैं बता रही हूँ, तो मैंने ये पान का पत्ता ले लिया और उसका अच्छी से मैंने चटनी बना ली, इसका पेस्ट बना लिया पान के, जी पान कैसे बनाया आपने, इसमें ब्लेंडर में डाला डाल के काट के और इसको मैंने इसका पेस्ट बना लिया, इसको ग्राइंड कर लिया तो ये चटनी बन गई इसकी, क्योंकि हम बना रहे स्क्रब, इसका बिल्कुल आपने पूरा पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा इस तरह से स्क्रब कंसिस्टेंसी दिखाई चमचे से, ये देख ले थोड़ा सा, ये थोड़ा एक चटनी है, क्लोज लाइन, ये इस तरह का है, ठीक है इस तरह का है, हमने ये ले लिया, ये तकरीबन हम, अच्छा इसको दूसरी चीज़ें हैं जो बना के रख सकते हैं, लेकिन पान का पत्ता आपने जब भी इसको मिक्स करना है तो उसी वक्त फिर इसको आप बच जाता है तो फेंक दें, रख नहीं सकते इसको ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उसके जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये ले लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, उसके साथ हम छाइयों के लिए आप बता रही हैं, छाइयों के लिए मैं बता रही हूँ, स्किन की स्पेशली, बहुत जल्दी आपको फ़र्क आ जाएगा, बहुत जल्दी। आपने दानों के लिए बताई डॉक्टर बिल्कीस, आपने जो है वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए बताई, फिर आपने अनवांटेड हेयर जो चेहरे पर थे वो खत्म करने की तरीका बताया, और आप जो है वो छाइयां, पिगमेंटेशन, डीकलरेशन। अच्छा ये वाला मैं लूंगी 1/4 टीस्पून, ये क्या है, ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर लूंगी। उसके बाद ये वर्ड्स स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए, वर्ड्स इस शक्ल में होता है, मैंने इसको दोबारा से इसको थोड़ा सा पीस लिया तो ये थोड़ा पाउडर की तरह हो गया, ठीक ये है। साबित मिल जाता है, इसको थोड़ा सा मैंने पीस लिया दूर दूर सा, उधर क्यों दिखा रही है, अंदर दिखाया ना कैमरा इधर, यहाँ अच्छा मुझे वो भी मुझे देख रहा है ना इसलिए देख तो आप सभी रहे, रेड लाइट किसी किसी पे ऑन होती है। आप ये देखते जाए कि वो सारी चीजें यूज करें जो हम अपने हुस्न के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारे स्क्रब उन्हीं चीजों से बन रहा है। 1 टीस्पून आप बोले कि अभी भी तुम सुधरी नहीं, बदली लाल बत्ती जा है, देखिए ये लाल बत्ती अब यहाँ आई, अब आप इसको देखें। असल में बातें मैं इतनी कम करती हूँ, बत्तियों को देखती ही नहीं हूँ, बहुत कम बोलती हैं हम सब में, सबसे कम तो यही बोलती हैं। एलोवेरा जेल ये मैं ले रही हूँ तकरीबन इसको 1 टीस्पून, ठीक है, और इसको हमने मिक्स कर लिया, ये आपका एक बहुत अच्छा से स्क्रब बन गया, बहुत ज़बरदस्त सा स्क्रब बन गया। अच्छा इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो आप वैसे ही इसको लगा के अपने फेस पे रख दें कि थोड़ी जैसे 5 मिनट के बाद आपने थोड़े से गीले हाथ की हल्का हल्का आपने इसको मसाज करना शुरू कर दिया, ठीक है, एक ही दफ़ा में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, थोड़ा आपकी जो डेड स्किन होती है वो निकलना शुरू हो जाएगी, 3-4 एप्लीकेशन के बाद वो बिल्कुल हल्के लाइट होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपकी स्किन जो 1 महीना में आपको वक्त देती हूँ बिल्कुल आपकी स्किन एक जैसी हो जाएगी, इवन स्किन। एक तो इसका तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने पान के पत्ते को थोड़ा, ये भी बहुत जल्दी आपको ये फायदा देता है, इस पे लगा के, इस पे वर्ष लगाया और क्या लगाया, नहीं ये सारी चीजें मिक्स, ये मिक्स की है ना मैंने, जो एक स्क्रब जो आपने पूरा मिक्सचर वो था वो पान के पत्ते पे लगाया, और आपने बैठे बैठे ये अच्छा तरीका करना है,
इससे जल्दी रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये वो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं छोटे, मतलब लाइक लड़के जो हैं 12-13 साल के क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जा रही हैं, उनके लिए उनके टैन उतारने के लिए बहुत अच्छे, बाइक चलाते हैं इतने पिकनिक करने गए जा रहे हैं, आप आ गए और आपने इसको उसी दिन आपने जल्दी से इसको स्क्रब करना, इस तरह से 5 से 7 मिनट अपने फेस पर, ज्यादा टाइम पूरी मैल उतर जाएगी, पूरी मैल उतर जाएगी और गर्दन पे लगा लें और बहुत ही अच्छा है, आपको इतने जल्दी इसके रिजल्ट मिलेंगे और कोई आपको नुकसान नहीं है, आपकी स्किन पे कोई इचिंग नहीं। बेकिंग सोडा, वर्स तीन चीजें, बादाम और एलोवेरा जेल भी था। एलोवेरा जेल इसलिए लगाते हैं कि मुझे नहीं पता आप कौन सी क्रीम्स लगा रही हैं, आपकी स्किन किस हद तक डैमेज हो चुकी है, तो वो आपकी स्किन के लिए सेफ साइड के लिए, सेफ साइड सेंसिटिव है तो आपको बचा लेगा आपको। आलमंड ऑयल, एलोवेरा जेल, वर्स, बेकिंग सोडा और पान और बादाम का तेल, बादाम का तेल भी है। हाँ, थोड़ा सा लगा, मैंने बोला था मैंने इंग्लिश में बोला है, सॉरी। ये सारी चीजें थी, स्क्रब बन गया और आप इसको लगाएं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो परेशानी होती है ना कि ये कैसे जाएंगे हमारे दाग धब्बे कैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक महीने का वक्त दे अपनी स्किन को। हाँ। जो आपने इतने और ये जो हमारी झाइयां बनती हैं, अच्छा ये दाग धब्बे सिर्फ मुंह पे नहीं होते, कभी कभी आपके जलता है, आपका हाथ पे हो जाते हैं, नहीं जाते हैं, नकल पे हो जाते हैं, नकल हो जाते हैं, घुटने काले, कोहनियां काली, मेरी तो नहीं है, देख रड़ साफ है। हम लोग क्रीम्स वगैरह नहीं लगाते ना, खवातीन कहती है कि कोहनियां कैसे काली हो गई, क्या हो गया, उसका रीजन यही होता है कि हम लोग, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि बॉडी लोशन या क्रीम लगाने का, हमारा रिवाज नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी कोहनियां, हमारी ये सब चीजें मतलब काली हो जाती है ना जी। बस हो गया, हो चुका मेरी। हाँ जी, आप चले जाओ, मैं बता रही हूँ, जा रही है किचन गार्डन। हाँ बिल्कुल जाओ। क्या लेंगी अब? मैं दो चीजें लूंगी, मैं पान से आपके बालों के लिए बताऊंगी कि ग्रे हेयर हो रहे हैं या आपके बाल जो है उसको कैसे आप वो जो काले कैसे कर सकते हैं, ग्रे प्रीमैच्योर ग्रे हेयर के लिए बता रही हूँ। ठीक है? अच्छा, पान के पत्ते लेंगी आप? हाँ, और मैं दे, और इसके साथ मुझे कड़ी पत्ते भी चाहिए। कड़ी पत्ते जरा प्लीज, जरा पान का वो दिखाए, मेरे घर में तो बेल लगी हुई है पान। हाँ, बेल है तो यहाँ पर जो है ना ये रहे कड़ी पत्ते ना, ये रख, पान की बेल ही होती है ना? जी बेल होती है। तोड़ते हैं। और ये क्या है? ये कड़ी पत्ते हैं, वो वहाँ रखे हुए हैं, बस मैं बता रही हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पान की बेल भी आप अपने छोटे से बालकनी में लगा सकते हैं? लगा सकते, बहुत अच्छी लगती है। पान की बेल और मनी प्लांट के बारे में कहा जाता है कि खुश नसीब के घर में ही उगता है, हर किसी के घर में ये नहीं उगता, ये जल जाता है, तो मैं खुश नसीब हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सदियों से ये कहा जाता है। अच्छा, ये कहा जाता है, इनके बारे में मनी प्लांट भी हर किसी घर पे नहीं आता, नहीं उगता, और पान की बेल भी आप देख ले, अगर 10 लोग सड़ जाता है ना, सड़ जाता है, येलो हो जाता है, येलो हो जाता है, ये अच्छा ही मिथ है भाई, तो होगी है, तो वो बेचारे जितने भी बदनसीब हैं वो चेक करें पान की बेल, उनको लगता है, खुद को भी कभी लगता है ना मैं तो बड़ा बदनसीब हूँ, बदनसीबी इट्स नॉट, मैंने इसके ऊपर बड़ी नहीं मैंने इसके ऊपर बहुत पढ़ा है, तो मैंने उसमें ये लिखा हुआ था, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो आपके घर में मनी प्लांट कभी नहीं टिकेगा। आप नेगेटिवली सोच रहे हैं, आप वो चीजें करें अपने सराउंडिंग में या जहाँ आपने रखे हुए पौधे जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करे, तो आप वो गमले लगाइए जैसे स्नेक पाम होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करता है, फेंकता है। पाम उर्दू में किसको कहेंगे आप? पता नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन लंबे से होते हैं वो, और वो बहुत तेजी से ऐसे लगता है जैसे एलोवेरा की लगता है, क्योंकि जहाँ सास बहू होती है वहाँ तो ये लड़ाई का जगह। देखिए इस्लाम, हम मुसलमान हैं, नजरे बद जो है वो बरहक है और लगती भी है, और उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी आप अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करते हैं, आपने वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब नहीं, वो पौधे अब्सॉर्ब करते हैं, वो पौधे अब्सॉर्ब करते हैं, वो जल जाते हैं। इट मींस दैट कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत आ रही है, आपके बच्चे, आप खुद अगर नजरे बद का शिकार हैं, तो आपके पौधे जलना शुरू हो जाएंगे। देखिए इसका मतलब पौधे लगाना तो बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर की बलाएं वो बेचारे वो ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, माय गॉड, और यही अशरफुल मखलूकात का मतलब है। अब तो मैं गार्डनिंग शुरू कर रही हूं, बहुत अच्छी चीज। मेरे साथ क्या हुआ, मैं बिल्कुल, मेरे इतने बड़े बड़े फूल ना, इतने बड़े बड़े फ्लावर्स आते थे, पूरे के पूरे 2 दिन में जल गए, पूरे, और माली परेशान, मैं परेशान कि हमने खाना किया था, खाने के बाद पूरा मेरा गार्डन जो है ना, फ्लावर्स जो भरे हुए थे, लोग देखने आ रहे थे कि आपके इतने बड़े बड़े फूल कैसे होते हैं, तो मैंने कहा कि मैं उसके साथ ना जैसे लहसुन डाल देती हूँ, तो उससे फूल बहुत अच्छे होते हैं। 2 दिन में
सारे जल गए, मुझे सारे काटने पड़े और मेरे तीन तीन चार चार साल के पौधे थे और पूरे के पूरे पूरे नए घर में, जी नए घर में, नीचे के सारे जल गए, ऊपर लग गई, ऊपर जो थे ना वो नहीं, ऊपर जो थे वो बच गए क्योंकि किसी को पता नहीं था, जो ऊपर टेरेस में थे, नीचे पूरे जल गए पूरे के पूरे। ओह माय गॉड यार, ये क्या, ये क्या साइंसेज हैं भाई। वो तो अभी आए है, हमारा तो नुस्खा रह गया ग्रे हेयर के लिए, हमने बहुत गप्पे मार लिए, अब हम ब्रेक के बाद आके गप्पे मारेंगे। सिर्फ एक नुस्खा बताया पूरे ब्रेक में, माशाल्लाह बिछड़े में मिले इतने दिनों बाद। तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद पत्ता है पान का और इससे हम बता रहे हैं जो ग्रे हेयर आपके हो जाते हैं, प्रीमैच्योर ग्रे हेयरिंग के लिए बता रहे हैं, कड़ी पत्ता और पान से रिलेटेड हम आपको एक नुस्खा बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहेगा हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अब मारो गप्पे ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारी छोटी सी बालकनी में किचन गार्डन डेवलप हुआ है और वहाँ से हम गमले से चीज़ें तोड़ तोड़ के आपको बड़े ज़बरदस्त नुस्खे बता रहे हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने पान के पत्ते तोड़े हैं और साथ क्या तोड़ा था आपने, कड़ी पत्ता, और उनको लेकर आप क्या बता रही हैं, आप दोबारा प्रीमैच्योर ग्रे हेयर के लिए बता रही हैं, बच्चों के बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि ये बना के रखे, स्प्रे करते रहें तो उनके बाल जो है वो उनको उनकी नरिशमेंट होगी और उसके साथ क्या होगा, उनके बाल आहिस्ता आहिस्ता काले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने लिया है कड़ी पत्ते, जैसे 7 से 8 कड़ी पत्तों की जो स्ट्रिंग है पूरे तोड़े, और मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 लीटर पानी, उसमें मैं ये डाल रही हूँ और 1 पान का पत्ता है। अच्छा, पान के पत्ते में जैसे आपने कहा कि गले के लिए बहुत अच्छा होता है, पान की जो जड़ होती है उसको शहद में मिलाकर इस्तेमाल करने से इन 1/4 टीस्पून, जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। क्या मिला के, मतलब शहद और पान की जड़, शहद और पान की जड़ को मिलाकर, बिल्कुल, क्या करें, कैसे करें, माजून बना लेते हैं पीस कर, फिर 1/4 टीस्पून दिन में 2 दफा दें, जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, प्रॉब्लम होती है, और जिनका गला बार 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 खराब हो जाता है और टॉन्सिल्स होते हैं या अगर गले में छाले भी पड़ जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये आसान सी रेमेडी ये कर लीजिए, नहीं तो इसी पान के पत्ते का इस तरह काट कर ये वाला जो हिस्सा होता है, बड़े तो खा सकते हैं, बच्चों को इसको उबाल के दें तो इससे भी गले के जितने अमराज होते हैं उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, सिर्फ इतना हिस्सा। ठीक है, लेकिन यहाँ अब मैं बता रही हूँ पान से कि आप अपने बालों को देर तक उनकी स्याही कैसे बरकरार रख सकते हैं। 1 पान का पत्ता है, 7 से 8 जैसे कड़ी पत्ते होते हैं वो उस ऐसे पूरे डंडियाँ जो है उससे निकाले जितने भी हों वो कड़ी पत्ते, और ये इसको आप अच्छी तरीके से जोशाएँ, कितना जोशाएँ कि ये पानी जो आपने 1 लीटर पानी लिया है ये 1/2 लीटर रह जाए, जब ये 1/2 लीटर रह जाए तो आंवला जो है उसको पाउडर बना के आपने रखना है, फिर उसमें 1 से 2 चम्मच भरकर आपने आंवला पाउडर डालना है। ठीक है, इसको जो भी करना है आपने हल्की आंच पे करना है, करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको उतार लेना है, उतारने के बाद इसको ठंडा करना है, ठंडा करके इसमें चंद कतरे आपने डाल लेने हैं सिरके के, या आप लेमन हाफ इसमें स्क्विज कर लें तो ये देर तक ख़राब नहीं होगा। अच्छा, हाँ, फिर आप इसको बॉटल भर कर फ्रिज में रख लें, जब भी आप बच्चों को लगाएं तो पहले बाहर रखें, ठंडा ठंडा ना लगाएं, और नहाने से पहले या स्कूल जाने से पहले या ओवरनाइट, ये पानी ही होगा, पानी की तरह होगा, आंवला पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा, उसको छान लीजिएगा और ये स्प्रे बनाकर सर की जड़ों में कीजिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, बालों को गिरने से भी रोकेगा, प्रीमैच्योर ग्रेइंग से रोकेगा, बालों को ताकत देगा, जिनके बाल बहुत पतले होते हैं वो भी थोड़े मोटे हो जाएंगे, लेकिन करना ये डेली है और 3 महीने तक करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन करके आप छोड़ दें, तो ये जो है ना आप इसको याद रखिएगा कि आपने करना है इसको डेली 3 महीने तक है, लेकिन फ्रिज में रखने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप ठंडा ठंडा बच्चों के स्प्रे करें, क्योंकि बास को जो है नज़ला ज़ुकाम हो सकते हैं जैसे ठंडे पानी की वजह से, तो इसका एहतियात करें। जी डॉक्टर बतूल, आप मैं बता रही हूँ हैंड टाइटनिंग के लिए, कौन सी टाइटनिंग, हैंड टाइटनिंग। अच्छा, हम फेस पे बहुत जोर देते हैं, गर्दन पे देते हैं, लेकिन हाथों और पैरों पे नहीं देते, तो वाकई हमने कभी तो सोचा भी नहीं है, और हैंड टाइटनिंग क्रीम कोई लिया है, एग्जैक्टली, बिल्कुल, तो बहुत आसान सी है, घर में सबसे पहले जो आपकी उम्र पकड़ी जाती है, हाथों से पकड़ी जाती है कि आपके हाथ जो है वो कितने जवान लगते हैं,
बाकी लोग तो चलो उसके फिलर्स करवा लेते हैं या पीआरपी करवा लेते हैं। अच्छा, हाथों में फिलर्स होते हैं? हाथों में फिलर्स होते हैं, फैट ग्राफ्टिंग होती है, पीआरपी होती है, बट ये कि हर हाइफो भी होता है। अच्छा, बहुत आसान सा है। मैंने जो है वो 2 स्पून लिए हैं, 2 चम्मच अलसी के फ्लैक्स सीड इसमें डाला है, 3 से 4 जो है इस तरह के जो है डाले हैं कड़ी पत्ते के, और लास्ट में जब ये बॉयल आ गया, देखिए ये जेल बन गया है बिल्कुल ना फ्लैक्स सीड की वजह से। इसमें हम शामिल करेंगे धनिए के 5-6 पत्ते। धनिया जो है वो बेस्ट स्किन टाइटनिंग एजेंट होता है और जो है वो ग्लोइंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा देता है। जी जी जी, कहते हैं धनिया पुदीना की चाय बना के पी लो, या धनिया पुदीना का पानी अम्मी उबाल के हमें देती थी, पेट वेट साफ रहते तो चेहरा शादाब रहता है। उसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए भी धनिया बहुत बिल्कुल अच्छा। डायबिटिक एजेंट होता है बेसिकली, किडनी को बहुत अच्छा क्लीन करता है। हाँ, 2 चम्मच मैंने इसके लिए इसमें, इसको ये छान के हमने निकाल लिया। अभी मैं इतनी बना रही हूँ जितनी हमने इस्तेमाल करनी है। अच्छा है ना, हम सब अपने हाथों पे लगा रहे हैं। Exactly. हम 5 के लिए बनाएं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कोकोनट क्रीम। अच्छा। और इतनी स्मूथ बनेगी कि आप लगाएंगे तो आपको लगेगा आपने बोटॉक्स करा लिया है। अरे यार, जबरदस्त। ये हमने शामिल किया और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का, और बिल्कुल मैं पिंच शामिल कर रही हूँ इसमें काफूर का। अच्छा, तो इससे ये होगा कि ये आप इसका स्टे टाइम बढ़ जाता है, आप रख सकते हैं इसको इजीली बनाकर। हाँ, तो ये काफूर जो है एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करता है, और जिनके डार्क नकल्स हो जाते हैं, जो इनका हाई इंसुलिन लेवल होता है, उनका ये रंग अलहदा होता है बिल्कुल डार्क काला, और ये हाथ का रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है, तो उनके लिए बेहतरीन होती है। क्योंकि काफूर जो है वो फौरन जो है एक जो परत आ जाती है, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं उसको, गर्दन पे भी आ जाती है और हाथों उंगलियों के नक्कल्स पे भी आती है, वो फौरन उससे निकल जाते हैं। अब ये देखें बिल्कुल क्रीम की तरह कंसिस्टेंसी बन गई है, लोशन की तरह। इसको आपने इस तरह लगाना है, मसाज करना है। हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज किया जाता है हाथ का, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा कि आप यूँ ऐसे खींचते हैं, पॉलर में भी अगर आप जाएं तो ये रॉन्ग टेक्निक होती है। हमेशा कैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हैं। आप देखिए जरा पार्लर वाली को जो ठीक है हमारा क्योंकि ये लैंडिंग हो रही है तो ये ऐसे करना। आप मोस्टली देखा होगा ना वो फाइनल उसमें वो यूं खींच रही होती हैं, ठीक है। ये जो मसल है वो फैन शेप होते हैं, वो यूं लगे हुए होते हैं। आप हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। Okay. आप जितनी आप देखें, मैं एक दफा कर रही हूँ, मेरा मसल जो है वो पूरा स्ट्रेच कर गया। ओके, अब मैं आपको खुद अपने हाथ पे करके दिखाती हूँ, एब्जॉर्ब करके आप दोनों हाथ का डिफरेंस देखिएगा। नहीं यार, इसमें हमने डाला क्या क्या, रिपीट कर देंगे दफा। इसमें हमने डाला है फ्लैक्स सीड, अलसी। अलसी को हमने 2 चम्मच अलसी लिए, 1/2 गिलास पानी में पका लिया, ठीक है। फिर मैंने उसमें शामिल किया 2 से 3 जो है पत्ते डंडियां जो है कड़ी पत्ते की, और बिल्कुल जब लास्ट में उबाल आ जाए तो मैंने शामिल किया इसमें धनिया। अच्छा। धनिया के देखें आप, ये पक गया है बिल्कुल, जेल बन गया, और हरे ही पत्ते हैं, हमें जलाना नहीं है इसको, ब्राउन नहीं करना, ठीक है। बस फिर आपने छान लेना है उसका पानी, जेल नुमा जो होगा उसमें हमने शामिल किया 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच कोकोनट क्रीम, ठीक है। अब आप मेरे हाथ पे डिफरेंस देखिएगा, पिंच ऑफ काफूर भी तो डाला आप देख, हाँ पिंच ऑफ काफूर, यस। अब आप हाथ पे डिफरेंस देख लें, ये वाले हाथ पे नहीं लगाई हुई और ये वाले हाथ पे लगाई हुई है, फौरन अंदाजा हो जाता है। तो ये अगर आप रोज़ाना लगाएंगे तो हाथों पैरों के लिए बेहतरीन है, लगा के आप छोड़ दीजिए, आप 2-3 घंटे अपना काम कीजिए। अब ये अमेजिंग बात क्या है, ये आप लगा कर इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं आप काम कर सकते हैं किचन में। तो आपके वो औरतें जो अब घर बैठे काम कर रही होती हैं, जिनका खानों का बिज़नेस है, खाना बनाना ही उनका बिज़नेस है, तो वो मुस्तकिल चला चला के हाथ का इतना पोर्शन जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो ये उनके लिए बेहतरीन हैंड टाइटनिंग क्रीम है। ये इसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा आएगा, देखें आप घर में बनाइए और लगाइए, सुबह उठ गए आपने लगा लिया तो सन ब्लॉक का सन ब्लॉक हो गया और हैंड टाइटनिंग क्रीम हैंड टाइटनिंग। ज़बरदस्त नुस्खे आज आप बता रहे हैं हमारे किचन गार्डन से। जी डॉक्टर मेरा। अच्छा, मौसम चेंज हुआ है तो होता क्या है कि जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, या फिर खुदा न खासा जो कोविड का जो शिकार हो चुके हैं उनको भी बहुत वीकनेस हो जाती है। हाँ। या डेंगू हो गया, इन तमाम बीमारियों के बाद कमज़ोरी बहुत हो जाती है। और हाँ। होता क्या है कि हर थोड़ी देर बाद ही कि आपको कमज़ोरी बहुत हो रही है, दर्द बहुत हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द हैं या उठते बैठते तकलीफ हो रही है, तो हम उसके लिए आज बनाएंगे पान के पत्ते से। जैसे अभी कहा कि पान का पत्ता बहुत इफ़ेक्टिव होता है, हम पान का पत्ता और लीमू का पत्ता इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हमने किया
ट्राई किया कि सबसे पहले कोकोनट ऑयल लिया है, कोकोनट ऑयल भी दर्दों में आराम देता है, या इसकी जगह हम कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। ये दोनों तेल जो है वो दर्द में आराम देते हैं और इन्फ्लेमेशन जो होती है, स्वेलिंग जो होती है, उसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, इस तेल को हमने हल्का सा गर्म किया, इसमें हमने डाल दिया एक पान का पत्ता, कुछ पानी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके हम अंदर डाल रहे हैं अदरक का पाउडर सौंठ 1 टीस्पून, कस्ते शीरी 1 टेबल स्पून, कस्तूर भैरी और अदरक वो सॉरी हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके साथ हम जो लीमू है इसके पत्ते डालेंगे, तकरीबन 5 से 6 पत्ते। सही, फिर पत्तियाँ डालेंगे। अच्छा, इसको तमाम चीज़ों को हमने पकाना है, इतनी देर हल्की आँच पे पकाएंगे कि ये पत्ते जो हैं जल जाएंगे। अच्छा, इसका पूरा अर्क इसमें निकल जाएगा, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, और इसको हल्की आँच पे आप पकाते रहें। जैसे अभी ये पक रहा है, पान के पत्ते का कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये तमाम चीज़ें जब जल जाएंगी, खासकर ये पत्तों का रंग चेंज हो जाएगा, तो फिर हमने इसको उतार के ठंडा करना है। ओके, जब ये रंग चेंज हो जाएगा उसको उतार लेंगे, उसके बाद ठंडा करने रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको आपने बॉटल में भर के रखना है। अब जब भी जहाँ पे भी दर्द है, खासकर जॉइंट्स के अंदर दर्द है, या कहीं पे भी आपने एक पान का पत्ता लिया है, और उसके ऊपर भी मैं लगा के दिखा देती हूँ कि आपने अंदर की साइड से इसको लगाया है, जैसे हम कत्था चूना लगाते हैं। और इसके बाद उसका ये जब आप तेल लगाएं तो कोशिश करें हल्का सा नीम गर्म हो, बिल्कुल ठंडा। यहाँ पे भी दर्द है, चाहे घुटना है, हाथ है, उसके ऊपर लगा के इसको थोड़ा सा ऐसे लपेट दें। सही, मतलब बहुत अभी तो गर्म है, उसको लगा के आपने थोड़ा सा छोड़ देना है, या हाँ। उसके ऊपर कपड़ा बांध देना है। ये फौरी तौर पे सारी स्वेलिंग खींच लेगा और दर्द को फौरन खींच लेगा। ठीक है, ये अच्छा कमर में दर्द है तो आपने एक से एक पत्ता या दो पत्ते रखे और उसके ऊपर कपड़ा बांध लिया, तो ये सारा दर्द, कमर का दर्द अरे बाप रे, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, कमर पे दर्द हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, घुटने में दर्द है, कहीं पे भी आपके दर्द है, आपने सिर्फ इसको लगाना है। अच्छा, इसलिए कपड़ा बांध रहे कि ये गिर ना जाए। अगर कोई लेटा हुआ है तो जस्ट आपने ऐसे ही रख देना, तो वो अच्छा तेल हल्का सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल यख तेल नहीं होना चाहिए कि ठंडा हो गया तब, हल्का सा बिल्कुल जरा सा नीम गर्म करके होते हैं, जैसे अब थोड़ा हो गया। इसके इंग्रेडिएंट्स रिपीट करते हैं बिल्कुल पहले कि हम आगे बढ़े। अच्छा, इसमें हमने लिया है कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल नहीं तो कैस्टर ऑयल। ठीक है, तकरीबन आप इसको ले लीजिए, एक पाव के करीब ले लीजिए, इसको बना के रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक पान का पत्ता डाला है। हाँ। एक पान के पत्ते के साथ जो है हमने इसके अंदर जो है अदरक सौंठ का पाउडर डाला है 1 टीस्पून डाल लीजिए। ठीक है, कस्ते शीरी जो है 1 टेबल स्पून डालेंगे। ओके, ये ज्यादा डालते हैं, दर्दों को खत्म करता है। हल्दी जो है इसके अंदर अगर फ्रेश है तो बहुत अच्छी है, वरना हम ये हल्दी लेंगे। ठीक है, इसको आप 1 टीस्पून डालेंगे। डन हो गया। और इसके लीमू के पत्ते, नींबू के पत्ते आपने 5 से 7 पत्ते डाल दिए। इन तमाम चीज़ों को आपने पकाया हल्की आंच पे, कलर चेंज हो रहा है। जब इनके पत्तों का रंग चेंज हो जाएगा, ये कलर देखिए चेंज होना शुरू हो गया, जब ये पत्तों का रंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा तब आप चूल्हा बंद करेंगे, और उसके बाद इसको ठंडा करके रख लेंगे। पान का पत्ता घर में होगा, जब अल्लाह ना करे किसी को दर्द हुआ है, कुछ भी है, बुजुर्ग है, आपने हल्का सा नीम गर्म किया इस तेल को, पान के पत्ते पर लगाया और दर्द की जगह पर लगा दिया। बच्चों को भी अल्लाह ना करे दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी भी वजह से, तो आप हल्के थोड़ी देर के लिए लगा दें, दर्द फौरन गायब हो जाएगा। ओहो, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बताया, जबरदस्त जी। शैम्पू बनाएंगे हम, डेंड्रफ हो जाती है बहुत ज़्यादा, खारिश भी बहुत होने लगती है, फिर बाल भी झड़ने लगते हैं, और अजीब सा कपड़ों पे डेंड्रफ गिर रही है, तो हम शैम्पू बनाएंगे कि आपके डेंड्रफ जो है बालों से बिल्कुल ख़त्म कर देगी। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर वैसे तो बना के रखा था ये रीठा, मैं यहाँ पे पानी ले लूँगी तकरीबन, उस पर शैम्पू बनाएंगे, 2 ग्लास में पानी ले लूँगी मैं, कल खुद कोई 3 घंटे तक मैं अपने सर पे तेल लगवाती रही हूँ। हाँ। मुझे इतनी खारिश होने लगती है, कंघी भी फेरी, सब कुछ कुछ भी नहीं, लेकिन वो डैंड्रफ की वजह तक रज बस, बिल्कुल दाने हो गए हैं सर में, खुजा खुजा के डैंड्रफ की वजह, बहुत बुरा लगता है। यूं किसी के सामने करो तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, और इतनी सर के अंदर खारिश हो जाती है, ड्राइनेस क्यों हो रही है, इतनी ड्राइनेस आजकल तो गर्मी वेदर की वजह से, दस्त बहुत है इसकी वजह से हो रही है। अब शैम्पू कर लो, थोड़ी देर के बाद दोबारा आपको खारिश होने लगती है, जब तक आपके बाल गीले आपको सुकून है। मैं तो ऑयल लगाए बगैर शैम्पू नहीं कर सकती, मेरा भी ये इतनी खारिश होनी है, तो ये इसलिए ये मैं लगाऊं, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये मैंने रीठा है इसको मैंने पहले से भिगो के रख दिया था 2-3 घंटे पहले, अगर आप अच्छा है ज़्यादा कि आप उसे पूरी रात भिगो के रख दें। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पानी में इसको बॉईल करने के लिए रख दिया,
और ये देखिए ये बॉईल हो चुका है क्योंकि थोड़ी सी देर लगती है, एक घंटा लगता है जब बॉईल हो जाए और थोड़ा थोड़ा ये गर्म है तो इसको अच्छे से मसल लेना है क्योंकि ये चिकना होता है, शैम्पू ही यही होता है। अच्छा, बालों में आपका जो मैल निकालेगा रीठा बनाएगा। जी ठीक है, सही। तो इससे हमने देखिए ये झाग बनता जाएगा और जितना ये भिगोया हुआ होगा तो अच्छी तरीके से झाग निकालेगा और हमारा शैम्पू अच्छा बनेगा। इसको इस तरह से कर लेना है। अच्छा, जब मैंने इसको थोड़ा सा मसल लिया, इसमें से झाग निकलना शुरू हो गया, तो अब मैं इसके अंदर ये आंवला है, आंवला पाउडर 1 टीस्पून में ये डाल दूंगी। आंवला पाउडर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, साथ ही साथ। अच्छा, जब हमारा ये रीठा बॉईल हो रहा होगा तो हमने इसमें कड़ी पत्ता और मुझे लेमन के पत्ते चाहिए, ये लेमन के थोड़े से पत्ते ये हम इसके अंदर, ये हमारी खुश्की को दूर करेंगे। ये दोनों पत्ते जो हैं ये हमारी डेंड्रफ को दूर करेंगे। 5-6 पत्ते आप इसमें डाल दें और इसको बॉईल करके फिर मैंने इसके अंदर डाला था। ठीक है, इसको बॉईल करके मैंने इसके अंदर डाला। बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है फिर, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है। ठीक है, हाँ। और फिर क्योंकि हमारी आदत है झाग जब तक बनता नहीं हमें सुकून नहीं आता, हाँ। हमारी एक आदत होती है तो हमने क्या करना है, आप जो शैम्पू यूज़ करें वो थोड़ी कम क्वांटिटी में लेना है और ये वाला शैम्पू इसको छान लेंगे छन्नी से और इसमें, सॉरी ये गिर रहा है, कोई बात नहीं जल्दी, और इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये आपका डेंड्रफ ख़त्म कर देगा और आपका शैम्पू तैयार है। और जो आपका शैम्पू थोड़ा सा है उसको हम डबल कर लेंगे और ये शैम्पू बन गया, उसको बॉटल में बंद करके रख दें, ये खराब नहीं होगा। इसी से अपना सर वॉश करें हफ्ते में 2 दफ़ा, साथ ही ब्रेक पे भी चली जाएं, फिर ब्रेक के बाद आके रिपीट करें। चलें हम ब्रेक पे चलते हैं और आप भी थोड़ी देर वेट कर लें, उसके बाद आते हैं फिर मैं दोबारा से रिपीट करूँगी। ब्रेक लेते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारे छोटा सा किचन गार्डन है, वहाँ छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं और उन गमलों की मदद से हम आपको बहुत सारी ज़बरदस्त रेसिपीज़ रेमेडीज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। जी डॉक्टर बिल्कीस जी, मैं बताऊँगी कि जैसे गर्मियाँ आती हैं, एक्सेसिव पसीना, स्वेटिंग बहुत होती है और उसमें फिर स्मेल भी होती है बाज लोगों के, तो कॉजेज़ उसके बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी ग़िज़ा हो सकती है, आपकी हाइजीन का हो सकता है, तो लेकिन उसको ख़त्म कैसे करें उस पर बात करेंगे। उसके लिए जो मुझे चाहिए वहाँ से, तो मैं वो लेमन के पत्ते ले लेती हूँ, बाकी तो यहाँ मौजूद है ना। ठीक है, लेमन के पत्ते। मैंने लेमन ले लिया। ठीक है, अच्छा, अगर लेमन के पत्ते अवेलेबल नहीं है तो हर घर में लेमन तो होता ही है, उसके हाँ। आप छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें भी ऑयल होता है, वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है। ठीक है, इसमें मैं लेमन के पत्ते डाल रही हूँ और आपने 1 गड्डी धनिया और 1 ही गड्डी पुदीना, ये भी आपने डालना है। ठीक है, ठीक है, और इसको क्रश करके डालना है। अच्छी तरह क्रश करके डालें, इसका जो एसेंशियल ऑयल होता है वो इस पानी में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप धनिया भले इस्तेमाल कर लें खाने के लिए, लेकिन जो डंठल हम फेंक देते हैं उसको फेंके ना, उसको भी आप इसमें डाल दें। सही है, ये पसी की ज़्यादती को रोकने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, ठीक है, इसको हमने इस तरह क्रश करके इसमें डाल दिया। हाँ, इसको आप 1 से 2 जोश उबाल आने दें। ठीक है, फिर उसके बाद जब उबाल आ जाए तो आपने इसको छान लेना है, इस पानी को 1 से 2 उबाल आने के बाद इस पानी को आप छान लें। इस पानी में ही बड़ा अच्छा भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप निकाल लें, जैसे पानी हो गया आपका, उबाल आ गया, उसके बाद जैसे ये सारी ये चीज़ें आपने हटा देना, सिर्फ आपने पानी लेना है। सही है, पानी लेने के बाद अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल है, लेवेंडर बहुत अच्छा है, अगर रोजमेरी है वो बालों के लिए आपको लगता है लेकिन वो पसीने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वो भी आप डाल सकते हैं। चंद कतरे डालना है बस। ठीक है, और बस उसको रख लें, जब नहाएं तो उसके बाद आप इसका स्प्रे कर लें। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और जिनको बहुत पसीना आता है, चेहरे पे बड़ा पसीना आता है, मेकअप नहीं ठहरता, वो लोग भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। बाज़ लोगों को अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने इसमें एक और चीज़ डाल देना है, फिटकरी। यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद फिटकरी है, लेकिन पसीने की ज्यादती को रोकने के लिए गुलाबी फिटकरी बहुत अच्छी होती है, मिल अच्छा। जाती है गुलाबी कलर की, वो आप डाल दें। या जैसे अभी पानी इसका बन रहा है, 1 से 2 जोश आ जाए तो ज़्यादा नहीं डालिएगा, इतनी सी फिटकरी लेके आप इसमें डाल दें,
और बस आपका जो है वो पानी तैयार हो गया जो पसीने की ज्यादती को रोकेगा और स्मेल को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा दोनों के लिए। बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इस वक्त गर्मी शुरू हो गई है और फिर वही मतलब लाइक खुद को इंसान को नहीं कभी पता चल रहा था कि आपके पास से स्मेल आ रही है, जो आपके बराबर खड़ा होता है ना वो ये भाप जाता है और फिर आपका इम्प्रेशन चाहे आप कितने भी अच्छे ओढ़े पहने हो आपका इम्प्रेशन धरा का धरा जी बिल्कुल। तो है ना, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं परफ्यूम्स अफोर्ड कर सकते, बहुत सारे लोग हैं ऑफिस में जाते हैं वो अपना घर का खर्चा ही चला लें, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। पिट करी थी इसमें धनिया था, पुदीना था और नींबू के पत्ते डाले, पत्ते के पत्ते नहीं है तो आप घर से नींबू के जो छिलके होते हैं वो डाल दें, वो भी अच्छा। हाँ तो बस इतना आसान सा है। और इसका पानी जो है वो बना के क्या ताज़ा ताज़ा है वो या कितने दिन चल सकता है? ये तो आराम से 3 से 4 दिन आपको चल जाए। ओके। आपने स्प्रे बॉटल में डालना है, आपने स्प्रे करना है, तो ये क्या होगा कि जो पसीना ज्यादा आता है उसको रोकता भी और आपके पसीने में बदबू नहीं आती, उसके लिए भी बहुत। लेकिन उसके लिए चेकअप कराना पड़ेगा, क्या पता आपके अंदर बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तब भी बदबू आती है। बाज़ लोग प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते हैं, गोश्त खाने वाले उनके भी होता है या आंतों का कोई मसला हो अच्छा, तो भी एक सर्टेन एज जैसे टीनेजर बच्चों की लड़के लड़कियां जब बड़े हो रहे होते हैं उस जगह उनके पसीने में बहुत हार्मोनल चेंजेस की वजह से पसीना आ रहा होता है, तो ये जो चीजें इतनी सेफ है। अच्छा कुछ लोगों के पैरों में पसीना आता है और उसकी वजह से उनके जूतों से उनके मोजों से। इसमें एक और चीज वो मिला लें, सरसों के बीज पीस के एक बड़ा चम्मच डाल दें तो पैरों के लिए भी बेहतरीन, और बहुत एथलीट मतलब फीट होते हैं बहुत स्मेल आ रही होती है कि वो मोजे उतारे जूते उतारे भाई, कभी हम शूटिंग कर रहे होते हैं और उसमें पंखे बंद करने पड़ते हैं तो माशाल्लाह कोई टेबल पे ऊपर चढ़ने के लिए लाइट कोई अपने जूते उतारता और पूरी एक धपका आता है बिल्कुल ऐसे, और फिर बेचारी की बेइज्जती हो जाती है ना, वो गरीब बच्चे होते हैं वो कहाँ से परफ्यूम अफोर्ड करें, तो ये उनके घर वाले। और उनके लिए एक और टिप है, जब जूते पहनते हैं उससे पहले कॉर्नफ्लावर डाल दिया करें जूतों के अंदर। जी बिल्कुल, कॉर्नफ्लावर डाल दिया करें तो उनकी उससे भी जो जूतों में भी स्मेल नहीं आएगी, पाँव से भी स्मेल नहीं आएगी। ओ ये भी बहुत अच्छी टिप, बहुत अच्छी टिप जी। आप क्या मैं बता रही हूँ वेट लॉस के लिए। हाय हाय हाय, मैंने कल से डाइट शुरू की है, आपको पता है मैंने 4 kg कम करना, अपना वजन बढ़ गया मेरा, और मुझे पता है कि मैं चेक रखती हूँ वजन का चेक। और अच्छा, ये जो स्पेसिफिक चीज मैं खा सकती हूँ? बिल्कुल, ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें मैं चीज शामिल कर रही हूँ बेसिकली वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको वजन बढ़ा और फिर जो है वो लाइपोमा कहते हैं फैट के जगह जगह गोले बनना शुरू हो जाते हैं, या एक जगह खत्म होते हैं तो फिर दूसरी जगह शुरू हो जाते हैं, ये फैट जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू, यानी आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर रही। ठीक है, देखिए 2-3 किस्म के फैट होते हैं, एक जमने वाला फैट होता है, एक जो है वो बहने वाला फैट होता है जो आपकी बॉडी मसल्स के साथ जो है ब्लड फ्लो के साथ मिक्स हो जाता है, और एक जो है वो होता है जो बिल्कुल घी की तरह जम जाता है जो एब्जॉर्ब नहीं हो, वो जो हमारी ये होते हैं यस यस, तो ये Apps, जो है उसमें जम जाता है, उनमें जम जाता है। तो और कुछ जो है वो टाइप ऑफ फैट होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी से डिटॉक्स नहीं हो रहे, लाइक उनमें उनका लिवर से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। अच्छा। तो वो आपके मसल के अंदर जगह जगह गोले बन जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर किसी को लिपोमा या इस तरह की चीजें कुछ हो रही है तो उसको चेक कराना चाहिए, अपना लिवर चेक कराना चाहिए, लेकिन ये जो है कोई इतनी खतरनाक चीज नहीं होती है। इसमें सिंपल ये करना है कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, स्पेशली गर्म पानी का। आपने सिर्फ अपने जिगर का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना है और ताकि वो फैट जो है एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, और वो जो फैट है जो जम रहा है वो जो लाइपोमा बना रहा है वो फैट सेल्स जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं बेसिकली, उनको आपने फैलाना है। तो फैलाने के लिए बेहतरीन तरीका एक तो ये रेमेडी है और गर्म पानी का इस्तेमाल है, खासतौर पर सुबह। तो मैंने लिया है 1 गिलास गर्म पानी, इसमें मैं शामिल करूंगी 1 चम्मच जो है मेथी दाना। ठीक है, और फिर हम मैं इसमें शामिल नाजरीन ये जरा गौर से देखें, वेट लॉस बहुत बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर जो है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी नहीं मिले तो नॉर्मल हल्दी ले सकते हैं, लेकिन आंबा हल्दी बेस्ट होती है लाइपोमा के लिए भी और वेट लॉस के लिए भी। इसको हमने पकाना है हल्के उस पर, और फिर हमने इसे देखिए ये धनिया है और ये पार्सले। ठीक है, पार्सले जो है पौधा मिल रहा है आजकल, हाँ। कराची में भी अवेलेबल है, इसको वैसे अमेरिकन धनिया कहते हैं। अच्छा। लेकिन डिफरेंस ये है कि है ये धनिया की फैमिली से, तो जैसे चिया सीड और तुखोलंगा में डिफरेंस है वैसे ही जो है धनिया में और पार्सले में डिफरेंट है। पार्सले में जो चीज़ें हैं वो ट्रिपल अमाउंट में है, और धनिया में जो चीज़ें हैं जो मिनरल्स मौजूद हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी में। तो कोशिश करें कि पार्सले ले लें, मेरे पास भी नहीं था घर में, मैं सिंपल
इस तरह इसको तोड़ के ये डाल दिया हमने 4 से 5 पत्ते, और फिर आप इसका एक बड जो है वो छोड़ दीजिए और एक गिलास पानी में डाल के इसको रख दीजिए, ये खुद ही ग्रो होने लग जाता है। एक दफा लिया, एक दफा लेने का 150 रुपए का खर्चा है, ठीक है। लेकिन आप बीज से भी उगा सकते हैं, बीज से उगाने में थोड़ा सा 6 महीने लगते हैं पत्ते आने में, लेकिन ये तरीका ज्यादा आसान लगता है मुझे। तो इसमें जो है क्वांटिटी धनिये के मुकाबले में ट्रिपल है, सारे मिनरल, तो इससे वेट लॉस आपका 6 हफ्ते में इतनी तेजी, क्योंकि ये किडनी को डिटॉक्स करा रहा है, ये लिवर को डिटॉक्स करा रहा है, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है ब्रेन से लेकर यूट्रस तक के, आपकी जो है वो साइकिल को स्लीप साइकिल, ये आप मुझे पिलाएंगी बिल्कुल, पी सकती हैं आप देखो थोड़ा सा। मैंने यहाँ से तो चैलेंज किया है कि 2 महीने में मैं अपना 4 kg वजन एक्सरसाइज और डाइट के साथ, 2 महीने तो बहुत है ना, लेकिन मैं हेल्दी तरीके से करना चाहती हूँ। रोटी चीनी चावल छोड़ दिया, स्किन नहीं खराब हो, बाल नहीं खराब हो, क्योंकि हमेशा जब भी डाइट करती हूँ बाल हाथों में आ रहे होते हैं, स्किन हल्की पड़ जाती है और स्किन खराब हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा मैं 2 महीने का मार्जिन ले रही हूँ और एक दूसरे को हम चेक करें। यासिन ने मुझसे कहा मैं महीने में करूँगा कम, क्योंकि माशाल्लाह उसका पोटला ज्यादा है, अब तो कम हो गया। हाँ, तो वो और मैंने 2 महीने का मार्जिन लिया जिससे मैं एक्सरसाइज और डाइट से करूँगी, और फिर आप 1 महीने बाद जो मैंने लाइक अहद और चैलेंज एक्सेप्ट किया, मुझे बताना है कि क्या मुझे फर्क पड़ा, क्योंकि भाई फौरन लोग बोलने लगते हैं ना मोटी हो गई है, ना ये हो गया, हाँ मेरे तो गलों पे आ जाता है फौरन, इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। और पिछली फिर मैं देखती हूँ ना अपनी प्रोग्राम की कोई यूट्यूब पे, हाय कितनी पतली हो गई थी मैं, और खाओ आइसक्रीम और खाओ चॉकलेट, लेकिन क्या करें कभी कभी दिल चाहता है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हम कर लेते हैं बस। आप सुबह आप ये पीना शुरू कर दीजिए, देखें आप ये बिल्कुल, ये ऐसी चीज है, बेजरर सी चीज है, सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को, इसमें पार्सले डाला है मैंने, एक चुटकी आंबा हल्दी और एक चम्मच जो है इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, आपने इसको पीने के बाद नॉर्मल गिलास जो है चाहे वो मटके का पानी हो कूलर का पानी हो वो जरूर पी। अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल, देखिए एक जमाने में मैं लौकी नहीं क्या कहते हैं टिंडे और लौकी दोनों को ना इसी तरह पानी निकाल के पी रही थी, ठीक है। मैंने 2-3 दिन पिया, बीपी लो, सोई नहीं हो रहा, अस्सलाम वालेकुम, बीपी बिल्कुल लो, तो ये तो नहीं होगा मेरे साथ। नहीं देखें मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने पहले ये पिया, इसके 5 मिनट के अंदर आपने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जरूर पीना है, ठीक है, क्योंकि जब लिवर से मेटाबॉलिज्म गर्म पानी पीने की वजह से स्टार्ट होता है तो आपका बीपी जो है वो डाउन, क्योंकि देखें हर चीज जो है वो क्लीन हो रही है ना, तो वो आपके ब्लड पे भी इफेक्ट कर, ब्लड भी क्लीन हो रहा है तो वो आपके इफेक्ट करता है। फिर 15 से 20 मिनट के अंदर आपने नाश्ता कर लेना है। अब लोग क्या करते हैं कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, हम नाश्ता भी क्या करेंगे, एक स्लाइस या एक अंडा खा के चले जाएंगे या चाय पी लेंगे, तो ये नाश्ता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, कल मैंने 2 शामी कबाब खाए थे, एक ब्राउन ब्रेड, ये बिल्कुल सही, उस पे मक्खन भी लगाया था, बिल्कुल सही है, वो मेरा नाश्ता था, क्योंकि मुझसे नहीं काम होता भाई, खवातीन भी यही करती हैं, फिर उसके बाद कहती हैं रात को यार बिरयानी खा लेते हैं, मूड खराब है, तो नाश्ता मेरा कल का ये था। आज मैंने चिया सीड्स खाई है, सही है बिल्कुल, साथ में तो 1.5 चम्मच ग्रैनुला डाल दिया था बिल्कुल, और साथ सेब डाले थे, सही है बिल्कुल सही है। तो मैं ये कहती हूँ अगर आपके पास कुछ भी इन हैंड नहीं है, आप जो है वो ऑफिस गोइंग है या आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो आप सिंपल एक एप्पल खा लीजिए, एप्पल खाने के बाद आप इवन जो है आप इतने एनर्जेटिक फील करते हैं कि आप उसके 1 घंटे के बाद नाश्ता खा लिया तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन नहीं देखें ना करने से बेहतर है ना। आजकल बच्चों के पास बहुत एक्सक्यूजेज हैं, मैं देखती हूँ यूनिवर्सिटी गोइंग, और जैसे हम यूनिवर्सिटी नहीं गए तो मेरे अब्बा तो मुझे जाने नहीं देते थे, ब्रक्को से ब्रक्को वैन में खाते हुए जाना, तो करना पड़ता है अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं, और फिर वहाँ जाकर कॉलेज पहुँचे यूनिवर्सिटी पहुँचे आपने प्रॉपर जो है, अम्मी जो है वो पराठा रोल करके देती थी और खाते थे, कभी हमने ना नू नहीं किया, लेकिन आजकल के बच्चों के पास बहुत एक्सक्यूजेज हैं आप उनको, लेकिन मैं कहती हूँ एटलीस्ट आप सुबह जो है एक सेब खाने की आदत डालें। वो बच्चे ये जो अभी इन्होंने डिस्कस किया ना पसीना, ये जो पैरों से आता है, ये विटामिन B12 और आयरन की कमी है, आप सिर्फ 1 गिलास जो है अनार का पी लीजिए जूस और स्मेल आनी खत्म हो जाएगी। नहीं यार yes. इतनी आपको अच्छी विटामिन B12 और आयरन मिल जाएगा, स्मेल आनी खत्म, इट्स इंटरनल,
बाहर से तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये तो अल्लाह ताला निशानी दिखा रहा है कि आपके पसीने में ऐसी स्मेल निकल रही है, लेकिन आप अंदर से खराब हैं, अंदर से आपकी बॉडी गल सड़ रही है, समझ लीजिए। तो स्मेल आ रही है, नॉर्मल तो नहीं है, सबको तो नहीं आती, लेकिन 10 में से किसी एक को आ रही है, तो उसकी बॉडी अंदर से गल सड़ रही है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल, यानी लिवर जो है वो डैमेज की तरफ जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। और इसका ताल्लुक सिर्फ खून से है, खून अच्छा कर लीजिए। हम होता है ना बच्चे टीनेज में, जी अच्छा ये हो रहा है, स्मेल आ रही है, ये वो पसीने बच्चों में तो आती है, लेकिन इसका मतलब ये इंडिकेशन है, इंडिकेशन कि आप अपने बच्चे ना वो खाते पीते सही है, बिल्कुल, पढ़ाई की टेंशन अलग, तो इसका मतलब है आप अपने बच्चों को देखेंगे, एग्जैक्टली आपके बच्चों का लिवर फंक्शन शुरू ठीक है, एग्जैक्टली, वेरी नाइस, जबरदस्त जी डॉक्टर। अच्छा अब हम बना रहे हैं बालों को बड़ा करने के लिए, मतलब लॉन्ग हेयर्स के लिए, बालों की खुश्की कम हो जाती है, लेकिन बच्चियां शिकायत करती हैं कि बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही है। अच्छा। कुछ उनको बड़ा शौक होता है कि बाल घने हो जाएं, बाल लंबे हो जाएं, वो कहते इतने से बाल लंबे, सिला भी कहती है कि अब मम्मा बढ़ी नहीं रहे बाल, छोटे कराए तो बड़े नहीं हो रहे, बस बच्चियों को ये बड़ा शौक होता है कि किसी तरह से बाल बड़े हो जाए, चलो डैंड्रफ भी खत्म हो गई, बाल गिरना भी रुक गए, लेकिन बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा इसमें हम पत्ते जो इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास कड़ी पत्ता है, नीम है, एलोवेरा जेल है और धनिया है, इन चारों की हमने चटनी बना ली, ठीक है, ठीक है। अच्छा जैसे आपने 1 टेबल स्पून चटनी ली है, बिल्कुल बारीक आप पेस्ट करेंगे, इसमें आप डालेंगे 1 टेबल स्पून आपने ये पेस्ट लिया है, इसमें सरसों का तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून, अंडे का तेल डालेंगे 1 टीस्पून, और ये है बबासु ऑयल, ये भी डालेंगे 1 टीस्पून। ये 3 ऑयल आपने इसमें डाले हैं, इसको मिक्स ऐसे किया है, और इसको आपने अच्छी तरह से लगाना है, इसको लगा के बहुत अच्छी तरह से मसाज करना है, स्कैल्प के अंदर, रूट्स के अंदर मसाज करना है, एंड्स तक जा सकते हैं, लेकिन रूट्स का मसाज करेंगे और इसको 1 घंटा लगा के छोड़ना है, ठीक है। अच्छा शुरू में तकरीबन इसको आप लगातार जो है आपने इसको लगाना है कम से कम भी 15 से 20 दिन। अच्छा जब आप तेल लगाएंगे तो आपको शैम्पू भी करना होगा लाजमी, आप कोई भी अपना सल्फेट फ्री जो है नॉन केमिकल लाइट माइल्ड सा शैम्पू जैसे अभी घर में बनाया वो शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने लगाना लगातार है, तकरीबन आपने 15 से 20 दिन अगर कंटिन्यूसली लगा लिया तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि थोड़े 1 से 1.5 महीने में आपको अपनी ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा लाइक 20 दिन हो गए हैं, उसके बाद जो है ना आप हफ्ते में 2 दिन लगाएंगे इसको, और ये 3 मंथ्स आप कर लीजिए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी ग्रोथ मतलब शुरू हो जाएगी, और आपको अंदाज़ा होगा कि 2-3 मंथ्स के अंदर 2 से 3 इंच के बाल आपके लंबे होना शुरू हो जाएंगे, जबकि ग्रोथ बहुत मुश्किल होती है और बहुत स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन अगर आप स्टार्ट में लगातार लगाएंगे और उसके बाद जो है ना हफ्ते में 2 बार लगाएंगे, और उसके आप अपने बालों को पहले मेजरमेंट कर लें, नाप लें उसकी लेंथ, और फिर उसके बाद लगाना शुरू करें, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा होगा। अगर किसी की बहुत थिनिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी, डैंड्रफ तो होती ही नहीं, इससे कि इसमें हमने अंडे का तेल भी डाला है और सरसों का तेल डाला है, बाकी एलोवेरा, अच्छा एलोवेरा जेल जो है ये आपने पूरा इस्तेमाल करना है, इसमें कोई चीज़ हटानी नहीं है, लेकिन सिर्फ छिलका नहीं है वो उसका जेल नहीं है, ये पूरा अपने हर्ब्स के थॉर्न्स और उसका छिलका जो है तमाम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से कड़ी पत्ता, तमाम चीज़ें जो उसकी अपनी डंडियाँ होती हैं उसके साथ, मतलब कोई भी चीज़ हम अलग नहीं करेंगे, पूरे पत्तियाँ लेके इसको ब्लेंड किया और ये 3 ऑयल्स मिलाए, इसको आप लगाना शुरू करें, और आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई है, बाल हेल्दी हो गए, उनका वॉल्यूम अच्छा हो गया है, और तेज़ी से उनकी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। और इसी बात के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे छोटे से किचन गार्डन के साथ। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से किचन गार्डन के साथ आज आप मॉर्निंग शो देख रहे हैं, और वो किचन गार्डन आपके घर में भी हो सकता है, छोटे छोटे गमले हैं, उन गमलों में से जो पौधे उगते हैं जैसे कि है पान का पत्ता, जैसे कि है एलोवेरा, जैसे कि है कड़ी पत्ता, हरी धनिया, हरा धनिया, पुदीना, नींबू का पत्ता, और इस तरह के तुलसी के पत्ते, ऐसे बहुत सारे पौधे जो आप अपने घर में उगा सकते हैं, मतलब थोड़ी सी देखभाल करेंगे, पानी देंगे, तो बगैर खर्चे के हम आपको आज का शो दिखा रहे हैं। अभी आपने बताया था ना, है ना, अब आपके पास फरा के पास, ठीक है जी फरा। पफी आई के लिए बताएंगे और डार्क सर्कल के लिए बताएंगे, पफी आई और डार्क सर्कल, पहले तो डार्क सर्कल बहुत हुआ करते, लेकिन आजकल देखा जा रहा है बहुत अरसे से पफी आई भी होने लगी है, यंग एज में भी होने लगी है पफी आई, क्यों होती है? बहुत सारे रीजन होते हैं पफी आई के, और एक तो आपकी फैमिली से होता है, जैसे मेरी पफी आई तो मेरी अम्मी से मुझे मिली है, फैमिली से
ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं आपकी नानी दादी या आपकी पुप्पी फैमिली से आपको मिलती है, एक एज में आ गया कोई वो भी नहीं होता ना कोई ऑपरेशन, क्योंकि मैंने बड़ा डॉक्टर से पूछा था तो ऑपरेशन उसका वो भी बहुत ही खतरनाक किस्म का है कि आपकी आंख के अंदर ब्रूज हो जाते हैं, फिर सही होने में टाइम लगता है। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, फिर मैं डर गई, फिर मैंने बहुत सारी हमारी उमराइल से भी इलाज करवाया, बिल्किस से भी इलाज करवाया, तो मुझे बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल खत्म हुई, और इन्होंने मुझे रेकमेंड भी किया कि आप ये वाली चीजें तुम करोगी तो इससे और तुम्हारी पफियाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अभी जिनकी थोड़ी थोड़ी सी पफियाई स्टार्ट हो गई है, फिर डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, पूरी स्किन सही है लेकिन ये बहुत काले काले हो रहे हैं, पूरी स्किन खराब हो रही है आपकी इसकी वजह से, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरह से आपको फायदा देगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे धनिया और पुदीना ले लिया है, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के वो मैं ले लूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसका पानी लेना है। ठीक है, पानी लेना है, ये बहुत ही आसान रेमेडी है, बहुत जल्दी ये फर्क लाती है। और इसमें मसूर की दाल, वाइटनिंग के लिए कहा जाता है कि मसूर की दाल का पाउडर वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, इसको पानी में इसको घोल के भी फेस पे लगा दे तो वाइटनिंग लाता है, क्योंकि हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो ये एरिया पूरा ब्लैक हो जाता है, तो इसको हमने व्हाइट भी करना है, डार्क सर्कल्स भी खत्म करने हैं और साथ में पफी आई को भी खत्म करना है। ठीक है, ये मसूर की दाल मैंने 1/2 टीस्पून इसमें डालकर थोड़ा सा डालूंगी, ज्यादा नहीं ऐड करूंगी, और एक ही दफा इसको आप बना के रख दें और फिर आपको जब इसे लगानी हो तो आप इसको लगाएं। और किस तरह से लगाएंगे, टी बैग, चाहे ग्रीन टी का टी बैग हो या आपकी ब्लैक टी का टी बैग हो, आपने इसके अंदर डिप करना है, बहुत ठंडक देता है, और आंखें बंद करके सुकून से अपनी दोनों आंखों पे इसको सुकून से रख दें, तकरीबन आधा घंटा। अच्छा, ग्रीन टी का इस्तेमाल हुआ हुआ टी बैग ना, जाहिर है इस्तेमाल हुआ, आपने यूज कर लिया ग्रीन टी इसको, और उसके बाद आप इसको फेंक देते हैं, ग्रीन टी तो वैसे भी रख देते हैं आंखों पे, तो एक सुकून लाती है, आंखों की सूजन को दूर करता है, आंखों के पानी को सही करता है, और आंखें थकी थकी सी होती है उसको फ्रेश कर देता है। तो ये आप इसको इस्तेमाल करेंगे, टी बैग आप यूज किया हुआ ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी, जो भी आपके पास टी बैग है, आंखों पे रख दें आधे घंटे के लिए रख दें, उसके बाद आप देखिए कुछ ही दिनों में आपके डार्क सर्कल्स भी खत्म हो जाएंगे। डार्क सर्कल्स वाहिद ऐसी चीज है जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं भाई, मेरे मुंह पे और कोई धब्बा कोई दाग, अल्हम्दुलिल्लाह स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ डार्क सर्कल्स, अगर डार्क सर्कल्स ना हो मुझे मेकअप ही नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मैं मेकअप ही ना लगाऊं, क्योंकि मैं बेस बहुत हल्की लगाती हूँ, सिर्फ मुझे क्या प्रॉब्लम होती है डार्क सर्कल्स की, उसकी रीजन ये इतने सालों से पहले स्कूल कॉलेज जाते थे, उसके बाद सुबह का शो, मतलब लाइक मुझे माशाल्लाह ये शुरू करते हुए 12 साल हो गए हैं, उसके उससे पहले किचन का शो करती थी, तो सुबह उससे पहले फिर बच्चों के लिए स्कूल उठना ये वो, और उठने के लिए स्ट्रेस भी होता है कि जल्दी उठना है, कभी आप रात को लेट सो रहे हो, कहीं गए हुए हो, तो ये स्ट्रेस की वजह से पूरी होती नहीं, होती ही नहीं है, तो चले ये है ना रेमेडी, नींद जो है वो ARY को दान कर, तो ये इसको इस्तेमाल करें और आपको बहुत जल्दी फर्क फील होगा। लेकिन डार्क सर्कल्स स्किन पे जो ब्लैक धब्बे हो जाते हैं उसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा सब्र करें लेकिन चले जाएंगे, आसान सी रहे, जबरदस्त, बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छी रेमेडी है, और ये मैं ज़रूर करने वाली हूँ। आज की रेमेडीज़ कुछ ऐसी जो मुझे अपने ऊपर भी अप्लाई करनी पड़ेंगी, और मैं जो आपने मुझे एक दफ़ा स्ट्रॉबेरी और वो वाला बताया था, मैं उसको बताना चाहती हूँ, वो स्ट्रॉबेरी और मीठा सोडा डाल के आपने मुझे कहा था कि ये करो, मैंने घर जाके खुद भी किया, बलाज को भी कराया, परीतला को भी, यासिर को भी, क्या क्या है, सबको स्ट्रॉबेरी लेके गई, रस्ते से खरीदी, और उसके बाद उसको मैंने कहा फ्रीजर में रख दो ठंडा करो, तो उसके बाद मैं पूरा एक कटोरा लेके गई, चलो आओ सबके करो, क्या अब बच्चों ने कहा, हम यासिर कहने लगा क्या है ये, उनके इससे ग्लो आएगी फेस पे, यही था ना, इससे टैनिंग खत्म होगी, ग्लो आएगी, तो वो मैंने अपने घर वालों को इस लाइन पे लगा दिया, बच्चे स्कूल से आते और अब जो स्ट्रॉबेरी फ्रोजन है उस पे। हाँ, अच्छा, स्ट्रॉबेरी में ना स्मेल भी ऐसा बच्चों को पसंद होती है, तो इजीली करवा लेते हैं कोई। हाँ, और आप ले केला ले, बहुत ही वो उनको ना लगेगा बड़े लगाए, हाँ केला कौन लगाए, तो हाँ, लेकिन स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल ऐसी चीजें कि फेस पे और लगवा और लिटरली ये जो चीजें हम आपको बताते हैं ये बड़ी फायदेमंद होती है, ये इतनी और चुटकियों में हो जाती है, बन जाती है और आसानी से होती है, आपके घर पे अवेलेबल भी होती है, कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन बड़ा फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है होता है, आप अपनी जितनी केयर करते हैं वो आपकी नजर आ रही है। जी जी, मैं सनब्लॉक बनाना बता रही हूँ। हाँ, ये भी तो अभी धूप का सिलसिला शुरू। हाँ बिल्कुल, आपने लेना 1 कप पानी, उसमें डालना 1 चम्मच सौंफ। ठीक है ठीक है, आप सौंफ का अर्क निकाल लेंगे, 1 चम्मच सौंफ डाल के, अच्छा सौंफ जब भी लें बहुत ज़्यादा ग्रीन वाला नहीं लें, वो कलर किया हुआ होता है, जैसे यहाँ रखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें। इसको मैंने उबालने रख दिया, उस इन द मीन टाइम मैं क्या कर रही हूँ, आपके घर में कोई भी अगर आपके पास मतलब के टेलकम पाउडर है, सही है, सबसे बेहतरीन है कि सनब्लॉक बनाना है तो टेलकम पाउडर हर घर में तकरीबन होता ही है, आपने टेलकम पाउडर लेना है 1
दो टेबल स्पून, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेलकम पाउडर ले लिया और इस ये जो सौंफ है इसका पानी अर्क निकाल रही हूँ, जैसे निकल गया एक बड़ा चम्मच लूँगी। अच्छा, इसको टेलकम पाउडर में ना ठंडा करके डालना है ना। अच्छा, सही है, ये अभी तो बताने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप घर पे करेंगे तो आप इसमें सौंफ नहीं होना चाहिए, छान के आपने डालना है, ठीक है। क्या हो गया? नहीं, वो मैं चाह रही थी सौंफ नहीं जाए। सौंफ चली गई? नहीं नहीं, एक गई है, उसको निकाल लेंगे। हाँ, सिर्फ एक गई है, ठीक है। मुझे ये हो रहा है, सनब्लॉक कैसे बनेगा मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अभी तक उस तरह पहुँच नहीं पा रही। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, टाइटेनियम जो होता है ना, जितने भी टेलकम पाउडर बनते हैं वो टाइटेनियम पाउडर से बनते हैं और हर सनब्लॉक पे टाइटेनियम पाउडर होता है जो एक लेयर ले आता है जिससे सन ब्लॉक हो जाता है। मुझे याद है छोटे बच्चे जो है, दादियाँ नानियाँ जो है, वो बड़े बड़े पाउडर के वो आते थे पफ, बच्चों को तैयार किया ठक 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 ठक। मेरे बच्चों को भी मेरी सास ने लगाया है टेलकम पाउडर मुंह पे। मैंने कहा अम्मी मुंह पे क्यों लगा रही है? बेटा ऐसे मतलब पुराने जमाने के लोग टेलकम पाउडर मुंह पे लगाते थे। अच्छा, और अभी भी बहुत अच्छा बेस माना जाता है, जो लोग कुछ नहीं करते वो सिर्फ वो लगा कर उसके ऊपर मेकअप करते, बहुत अच्छा टेलकम पाउडर। टेलकम जिसको बहुत ज्यादा पसीना आता है, पसीने की ज्यादती को रोकने के लिए भी, मैंने देखा है लोगों को जी, और यहाँ तक कि अगर जिनके सर पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, बाल ऑयली हो जाते हैं, अभी तो उसी को बहुत सारे दूसरे नामों से बेच रहे, तो वो होता ही सिर्फ टाइटेनियम पाउडर हो तो उसको डाल दो तो पसीना जो आ रहा होता है सर पे वो नहीं आता। अच्छा, इसका मतलब वो जो पाउडर हम बैककॉमिंग करते हैं ना, तो हम वो पाउडर कोई सर पे डालते हैं, वो मिलता है कि बालों में वॉल्यूम रहे। जी, वो यही होता है जी, बिल्कुल वो यही। उसमें हो सकते हैं कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट भी हो, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप यही ले लें। जैसे हमने हल्की से बैककॉमिंग की ना कि वो फैट ना हो बाल, जी बिल्कुल, चीजें आती हैं बैककॉम करके आप डाल दें, यही इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें। एलोवेरा पाउडर जो है ना, एलोवेरा को ड्राई करके उसका ट्रांसपेरेंट पाउडर मिलता है, वो आपको बहुत वॉल्यूमिनस इफेक्ट देता है। क्योंकि ड्राई ब्लो ड्राई कराएं ना, और आप एलोवेरा के साथ ब्लो ड्राई कराएं तो आपका ब्लो ड्राई बहुत अच्छा वॉल्यूम अलग आता है, वॉल्यूम भी अच्छा। तो वही चीज दली हुई होती है, लेकिन बस उसमें एलोवेरा पाउडर इंक्लूडेड होता है। अच्छा अच्छा, अब हम दोबारा से मैं आपकी तरफ आ रही हूं, भूल जाएंगे, मैंने इतनी बातें कर ली बीच में। टाइटेनियम पाउडर डाला था आपने जी, मतलब कोई भी घर पे आपका फ्रेग्रेंट फ्री जो टेलकम पाउडर है वो आप डाल दें, उसको अर्के सौंफ यानी सौंफ उबाला, सौंफ का पानी, जैसे देखें ये क्रीमी शक्ल बना रही है। अब इसमें एक और चीज डलेगी, या तो आप घर से दूध ले लें या कोकोनट मिल्क ले लें, ठीक है। ये आप इसमें तकरीबन, अगर आपने एक चम्मच लिया है तो आपने तकरीबन इसमें आधा कप डालना है, ठीक है, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आपका बहुत अच्छा सनब्लॉक तैयार हो गया। आप इसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? प्रिजर्व करने के लिए आपने इसमें एक से दो ड्रॉप सिर्फ लेमन के स्क्विज करना है, तो वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा, नहीं तो आप कैम्फर यानी काफूर भी डाल सकते हैं, वो भी प्रिजर्व कर देगा इसको। आपकी मर्जी है, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो कर लीजिएगा। आपका ये नेचुरल सनब्लॉक जो है तैयार हो गया। ये लगा लें क्योंकि नहीं भाई अफोर्ड कर सकते हैं हमारे लोग जी, तो ये एक चीज है कि आपने सबने, क्योंकि सब जो भी बाहर निकल रहा है स्कूल कॉलेज ऑफिस, तो उसके लिए और बाइक चलाने वाले खास तौर पर उनके लिए बहुत अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, जले उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट हो, महंगे महंगे इलाज हो, तो आप पहले से ही क्यों नहीं ये सब चीजें संभाल के अपने करें। अच्छा, आफ्टर सन भी करना चाहिए, खुबानी भिगो दे दूध में, आफ्टर सन यानी सन से आने के बाद, इंटरेक्शन के बाद, हाँ क्या करना है आपने? तो आपने खुबानी भिगोई हुई है दूध में और आए घर पे थोड़ा सा, मतलब कि अपने बॉडी को रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद उसकी स्क्रबिंग करें, सादे पानी से धो लें, आपका चेहरा बिल्कुल शादाब रहेगा इंशाल्लाह जी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, छोटा सा किचन गार्डन, थोड़े से गमले, उनके अंदर ये पत्ते, ये सब आपको फायदा पहुंचाने के लिए थे। तो जी, उगाएं और पौधे उगाएं, जैसे कि बहुत बड़ी बात आज के शो पे मुझे पता चली कि एक मिथ है या कहते हैं नज़र, ये तो हमारे मजहब में भी है कि नज़र लगती है, तो अगर आपके घर में पौधे होते तो बहुत सारी ऐसी नज़रें जो आपको लगती है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो खुद जल जाते हैं और अपने मालिकों को बचाते हैं। तो एक जी यहाँ मैं आपको खुदाफिज कह रही हूँ, मंडे से आपके साथ दोबारा से लाइव शो शुरू करेंगे, मंडे तक मिलने के लिए थोड़ा सा रेस्ट देना होगा हमें, वैसे मुझे आज बहुत नींद आ रही है। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मंडे को मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।
झुमके हाथों।